बरेच वेळात पाहुणे आहोत सर सभेच्या त्यांचे सहकारी मनोदय पडते आणि जे चारी आणि हेमंत पडते सगळ्या कृपांत त्यांना आव्हान विनंती करतात त्यांनी शेजीर होते त्यांच्या फाटल्या आम्ही सगळ्यांनी भारत स्वाभिमान आणि पतंजली योग विद्यापीठातर्फे संपूर्ण भारत देशांभर एक जनजागृतीची चळवळ चालू असा आणि ताजोच भाग म्हणून आयोजित झाला पुण्यात भीतर आमचे अखिल भारतीय सरचिटणीस राजीव दीक्षित हांची जाहीर सभा आम्ही आयोजित केली असा. या सभेत भीतर तुमच्या सगळ्यांचे मनपूर्वक स्वागत आणि हांव आता विनंती करता की आमचे प्रमुख पाहुणे वक्ते राजीवजी दीक्षित हांकां व्यासपीठार घेवन महाबळेश्वर सावंत आणि येवचे. संपूर्ण देशात प्रवास करता असताना आणि गोयात भीतर
राजीवजी दीक्षित आयले आसा, तांचे आमी उतरांनी स्वागत करतात हांगासर. तशे ह्या पयली खूब फावटी गोंयांत सुद्दां तांच्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी स्वदेशीचो विशय मांडलेलो आसा. हांगासर अल्मेदा हायस्कुलांत भितर तांची अनेक लॅक्चरां जाली. स्वताच्या हिमतीचेर, स्वताच्या पैशांचेर देशभर प्रवास करून स्वदेशीची मुवमेंट जागृत करपी व्यक्ती व्यक्ती न्ही तर एक संस्था म्हणून राजीव दीक्षित हांचे नाव तुमकां आमकां सगळ्यांक परिचित आसा. सकाळची ताका सुर्योदय तोच म्हणून स्वदेशी आणि म्हणून तांची जीवनाचो परिचय करून दिता आसताना स्वदेशी पहाटे पासून रात्री निदासर स्वदेश आणि स्वदेशी हातच विचार तांच्या मनात भितर चालू असतात. प्रत्येक जनावर स्वदेशी वापरूंक जाय आणि स्वदेशीचो आग्रह हो त्यांच्या जीवनात भितर असतात. असे राजीवजी दीक्षित आयज आमच्या गोंयकारांक आणि फोंडेकारांक मार्गदर्शन करपा खातीर आयले आसात. तांची म्हापशा सभा जाली, तांची दिवचले सभा जाली, तांची वाळपय सभा जाली आणि आयज फोंड्यांत भितर ते आमकां मार्गदर्शन करपाक उपस्थित जाल्ले आसात. राजीव भाई गोवाने और कोंडा में आपका हम सहर्ष स्वागत करते हैं. काजल बरोबर बसलेले साहब तुमका आमच्या सगळ्यांनी परिचित आणि संपूर्ण गोव्यात भितर पतंजली योग विद्यापीठ आणि भारत स्वाभिमान यांचे काम सगळीकडे मयभर पसरवपी डॉक्टर सूरज काणेकर यांचेही आम्ही या सभेत भितर स्वागत करतात. आणि तुम्ही हांगासर या सभेत भितर मोठ्या संख्येन उपस्थित रावले आसात. तुमचे सगळ्यांचे या सभेत भितर स्वागत. उतरांनी स्वागत जाल्ले आसा. हांव आता विनंती करता की आमचे नीता नाईक जे आसात ताणें हांगा व्यासपीठाचेर येवन पुष्पगुच्छ देऊन राजीवजी दीक्षित हांचे स्वागत करचे. खंयच्याय कार्यक्रमाची सुरवात ही दिवली पेटोवन आम्ही करतात तेन्ना हांव राजीवजी दीक्षित हांचे गोंयचे प्रभारी डॉक्टर सुरज काणेकर त्याचबरोबर महाबळेश्वर सावंत, एडवोकेट पांडुरंग नेवाळी, विकी राजू, सतेश बाळगंगाधर हांकां विनंती करतात की तांणी दिवली पेटोवपाक व्यासपीठाचेर
खरे म्हणजे आभार प्रदर्शन व शेवटी कार्यक्रम झाला, परंतु राजूजी दीक्षित यांनी भाषण झाले आणि यांनी आमच्या वेगळ्या विचारांच्या बोलायचे नंतर त्यांना आभार व्यक्त करण्याचे काम सुद्धा हा सभेच्या सुरुवातीपासून करता. यांनी ज्यांनी आपल्या सहकार्य केले ही सभा आणि संपन्न झाला त्यांच्या सगळ्यांचे आम्ही उपकारी आहात. त्याचबरोबर कळवाले असा गुरुवाले असा त्यांना आमच्या पक्षावर थोडीशी किती अडचण झाली असतात नव्या माझ्याकडे आम्ही दिलगिरी व्यक्त करता आणि त्यांनी दिलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांचे आम्ही आभार मानतात. त्याचबरोबर ही सभा आमचं सरकार नगरपालिका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पोलीस खाते यांनी सगळ्यांनी सहकार्य केले आणि सुद्धा आम्ही खुश उपकारी असतात. त्याचबरोबर वेळोवेळी पत्रकार लोक जे असतात मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि प्रिंट मीडिया आणि सुद्धा आमच्या आईपर्यंत खुश सहकार्य दिले असा प्रसिद्धी दिली असा त्याच्याबद्दल आम्ही त्यांचे सुद्धा उपकारी असतात. आणि त्याचबरोबर या सभेत आमच्या सगळे भारत स्वाभिमानचे सदस्य देशप्रेमी राष्ट्रप्रेमी जे लोक उपस्थित राहिले असतात ते जर उपस्थित नसतात त्यावेळी सभा संपन्न जाऊ शकणार त्याचा त्यांना तुमच्या सगळ्या भाऊ बहिणीचे सुद्धा आम्ही पूर्ण उपकारी असतात. आणि आता विनंती करतात की ज्यांचं खरं म्हणजे प्रवचनाच्या पहिली परिचय करून घेऊपात आहे त्यांचा परिचय करून दिला आणि मग दोन दोतर आमचं मार्गदर्शन करतले आमच्या संपूर्ण भूमीच्या कार्या संबंधी सुद्धा ते आमचा माहिती दिले. त्याच्यानंतर राजीव दीक्षित आमचे आमच्या सगळ्यांना मार्गदर्शन करते. हा सर्वप्रथम डॉक्टर सुरज कानेकर आमच्या विनंती करता की त्यांनी आपले विचार हांगा व्यक्त करते. सगळ्यात पहिले श्रद्धेय परमस्मरणीय श्री रामदेवजी स्वामी तसेच श्रद्धेय आचार्य आणि भारत स्वाभिमानाचे राष्ट्रीय सचिव श्री राजीवजी दीक्षित तसेच हांगा हजीर आशिल्ले फोंड्या सगळ्यात पहिले फावटी पहिल्याच फावटी आयले तांचे भाव श्री प्रदीप दीक्षितजी तसेच पतंजली योग समिती भारत स्वाभिमान तर्फे भारत स्वाभिमानाचे गोंयचे प्रमुख आमचे प्रभारी जिल्हा लेवलचे कार्यकारिणीचे लोक तसेच हांगा जमिल्ले सगळे देशभक्त आणि भारत स्वाभिमानाचे स्वाभिमानी लोकांक हांव डॉक्टर सुरेज कानेकर पतंजली योग समिती आणि भारत स्वाभिमान तर्फे तुमकां सगळ्यांक नमस्कार करता. आज खरे म्हणजे एक जो दीस असा की तो फोंड्यान आणि गोव्याच्या वाठारांनी इतिहास घडोवपाक शकता आणि इतिहास घडोवपाचे वाटेर असा. जेन्ना स्वामी 2000 गोव्यान आयले तेन्ना अबाउट 12-13 हजार लोकांनी कांबालाचे हजेरी लावलेली एक व्हडलें शिबीर जाल्लें. स्वामी सुद्दां दिसूना की येदें व्हडलें शिबीर जातलें काय म्हणून कित्याक स्वामी आमचे येवचे पयले सगळ्यांक दिसताले गोंयच्या सगळे सुशेगाद सकाळी फुडें 7-7 उठता ते आनी सकाळी फुडें 4 येवन येतले काय म्हणून. पण गोंय जशें राखून दिलेलें दिसलें की आमी भारत देशाचे बाकीच्या नागरिका पेक्षा खंयच फाटी ना आनी जी सुद्दां स्वप्नान सुद्दां विचार करूंक नाशिल्ले कित्याक सगळे आयोजक म्हणटाले 1000 लोक जातले बरे काय म्हणून ते आम्ही 13 हजार लोकांचा लागिलो. मी लहान भुरगे तर त्याच्या खातीर स्पेशल हेजे ते जवळजवळ 40 हजार भुरग्यांनी हजेरी लायली. ताचे उपरांत जे स्वामीचे कार्य आशिल्ले पतंजली योग समिती गठीत करून योग आणि प्राणायाम जो आसा तो प्रत्येक गांवांत वाचचो प्रत्येक वाड्यार वचचो प्रत्येक घरांत वचचो आणि प्रत्येक मनशाकडे वचचो
कित्याक सांग मनुष्य जन्म म्हणून जर आम्ही आले असा जाल्यार रोगी जावन मरपाक न्ही जाल्यार प्रत्येक जाण सुखान आनंदान आणि समाधान मरपा खातीर आम्ही सगळे जाण आयले आसा. पण जशें स्वामी पळयलें की ह्या भारत देशांत इतले तरेची दरिद्री आसा, इतले तरेचे दुयेंसां आसा, तेन्ना योग किंवा प्राणायाम केल्या शिवाय ताका गत्यंतर ना. तेन्ना योगाचे आणि प्राणायामाचे सगळे कडेन प्रचार जावपा खातीर पतंजली योग समिती गठीत जाली. आणि 3 वर्सां भितर जे गोव्यान फक्त पहिले 7 योग भितर आशिल्ले ती म्हाका सांगपाक खूप खूप तुमकां आदर गर्व दिसता की आमचे कडेन जवळ जवळ आतां 2700 ते 800 असिस्टंट योग टीचर तयार झाले फक्त 3 वर्सांच्या भितर. तसेच स्वामी मागीर 14 वर्सांचे आपले कार्य जे आम्ही स्वामी दीक्षा घेतली ती कम्प्लीट करतकच 5 जानेवारी 2009 ह्या दिसा बेळगाव हा भारत स्वाभिमान ट्रस्टाची स्थापना केली. स्वामी जेन्ना सांगताले कित्याक आम्ही लक्की आशिल्ले की आम्ही जेन्ना बेळगाव असले तेन्ना आदले दिसा आपले खरे म्हणजे 1 वर्सान हे स्वामी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट सुरू करपाचो आशिल्लो म्हणून. पण जशी भारत देश किंवा भारत माताची जसो भ्रष्टाचार चालू आसा, जसे भयंकर तिका वेदन येता, जसे अत्याचार चालू आसा, ते जर तर पळयत जाल्यार तांकां दिसलें की खरेंच ना आनी वेळ जावपाक जायना म्हणून 1 वर्स पयलींच भारत स्वाभिमान ट्रस्टाची स्थापना केली. तिचेय खोल अत्याचार आणि भ्रष्टाचार जो चालू आसा आणि भारत मातेची गरिबी जी प्रत्येक दिसा स्वातंत्र्य जावन सुद्धा खरेंच हे स्वतंत्र म्हणना, सुराज्य म्हणना, स्वराज्य म्हणना ताचे दिशेने जर तर वचू जाय जाल्यार भारत स्वाभिमान ट्रस्टाचे हे स्थापन करपा खातीर त्यांनी 1 वर्स भितर स्थापन केले बेळगावात. आणि 1 वर्साच्या भितर आज आम्ही वडली अशी अशी कामगिरी केली असा. जवळजवळ आमचे कडे 2 लाख भारत स्वाभिमान ट्रस्टाचे मेंबर झाले असा, अतिविशेष आणि 51 लोकांचे मेंबर झाले सुद्धा. सांगपाक तुमकां बरें दिसता की फेब्रुवारीच्या म्हयन्यात स्वामी प्रांतीय बैठकी खातीर फोंड्यात येते आणि फोंड्यात येतकच म्हाका 15 दिसां पयली सुद्धा तांणी फोन केला हरिद्वार पासून की आमची जी गोंयची पळय बैठक आशिल्ली ती मागीर आमच्या बैठकीच्या फाटल्यान 16 प्रांतांनी बैठक जावन सुद्धा गोंयची बेस्ट सगळ्यांत बेस्ट बैठक जाली म्हणून. आणि ते सगळे श्रेय तुमकां हांव सगळ्यांक फोंडेकारांक आणि गोंयच्या सगळ्या नागरिकांक आणि भारत परबाचे सदस्य जे आसा तांकां दिता. सांगपाचे मुद्दाम कित्याक आमची गोंय आमच्या भितर इतली कॅपेसिटी आसा, आमचे भितर इतली उर्जा आसा, पण आम्ही खूप फावटी सुसेगाद घालता आणि मातशे फाटल्यान वता. पण एकदा जर आमचे भितरले जर तर आमचे जे भायर सरले आमी खंयच फाटी रावपाचे ना हे दाखवून दिले. आणि हे जेव्हा स्वामी दिसले तेव्हा भारताचो भारत स्वाभिमान ट्रस्टाचो सगळ्यांत पयली शिबीर जर तर खंय दिला जाल्यार ताणी फक्त गोंयचे नाव घेऊन गोंयात हे शिबीर दिले आसा. आणि त्या खातीर आम्ही सगळ्यांनी आनंदीत राहू जाय. हे पहिले शिबीर आम्ही गोंय म्हणजे ते परत फोंड्या आणि हे 1 ते 4 म्हणजे स्वामीजी परत 4 दिसां खातीर आमच्या गोव्यात येतात. जर तर स्वामीजी एक आवडेन येता जाल्यार गोव्या पासून स्वामीजी एक तरेची मॅसेज सगळ्या भारतात दाखोवपाक सोदता सोदता. आणि फक्त भारतात न्ही जाल्यार जगभर एक मॅसेज दाखोवपाक सोदता. आणि जर तर ही मेसेज जर तर धाडू जाय जाल्यार स्वामीजीच्या मनाच्या दिसता की पहिले जे इम्प्रेशन शुड बी द बेस्ट इम्प्रेशन, पहिली जी सभा शुड बी द बेस्ट सभा, पहिलो तो शिबीर शुड बी द बेस्ट शिबीर. त्या खातीर ते म्हणटा की कमीत कमी 1 लाख लोकांक 51 रुपयाचे सदस्य करा गोव्यांवर. आम्ही ही चॅलेंज उभारलेली आसा. तुमकां एक सांगता 51 रुपयाचे म्हणजे 51 रुपयाचे जर तर सदस्य झाले आम्ही मेंबरशीप फॉर्म भरले जाल्यार आमकां ती स्लीप मेळटली. आणि ही स्लीप जी आसा न्ही ती म्हणजे एंट्री पास. ह्या शिबिरात एंट्री पास जी आसली ती 51 रुपयाची स्लीप. जेन्ना आम्ही कामकाजा केले तेन्ना 1000 रुपयाची, 500 रुपयाची, 800 रुपयाची, 300 रुपयाची एंट्री फी आशिल्ली. आता ती फी तशी आसपाची ना, फक्त 51 रुपयाचे सदस्य. आणि हे 51 रुपयाचे सदस्य जेन्ना थंय आमचे टार्गेट आसा 1 लाख लोकांक आम्ही परमांगेर व्हरपाचे. ही हांवें फोंडेकाराचे तर्फे आमी ही चॅलेंज घेतली आसा. हांगा सगळ्या फोंडेकार आहात, तुम्ही सगळे उपस्थित आसा. परत सांगता आजून 28 दीस आसा, चॅलेंज आमी घेऊया काय नाका? तुमकां सगळ्यांक विचारता सगळ्यांनी हात वयर घेऊया घेऊया काय नाका? घेऊया. फक्त हात वयर घेऊन जावपाना, कितले तयार करूया? 1 लाख मेंबर करूया काय नाका? कित्याक भारत स्वाभिमान एक तुमकां सांगता हांव की थोडेशे जेतूर जावन 25 वर्सां जाली, पण 4 वर्सां भितर जी हांवें जिवाक जे म्हाका जे कोरोनाचे 4 वर्सां भितर कळ्ळें. आरे खंयच्याच देशांत ब्रिटीश स्वाभिमान तयार करूया मरे, एक ऑस्ट्रेलियन स्वाभिमान तयार करूया मरे, अमेरिकन स्वाभिमान तयार करूया मरे, असं मी खंयचो उलयता. कारण प्रत्येकाच्या भितर आमच्या भितर काय मनुष्य आसा, पण तांच्या भितर खरो स्वाभिमान हो प्रत्येक दिसा जागृत आसता. पण आमचे भारता भितर स्वाभिमान हो मेल्लो आसा.
त्यामध्ये कोणी कितें करा कसे दुबळा चलता आमकां आणि हातूंत आमची एकली चूक न्ही कित्याक आमचे पयली जे 250 वर्सां जे लोकांनी राज्य केले 450 वर्सां जे लोकांनी राज्य केले तातूंतल्यान ताणी कितें मेळ्ळे ताणी क्लेम केले की आमी ह्या लोकांचेर अशें राज्य करूया की आणि 1000 वर्सां सुद्दां हे आमी राज्य करना जाय सुद्दां आमचे गुलाम म्हणटले. हांव सगळे मानून दिता लॉर्ड मॅकिन्ली तो ब्रिटिश ताणें म्हटलेले ह्या देशाक जर तर गुलाम करूं जाय जाल्यार तांची संस्कृती ही मारूं जाय आणि एज्युकेशन सिस्टम हे मारूं जाय आणि खरें ताणें आमची संस्कृती मारपाची ट्राय केली पण अजून म्हणू ना म्हणून अजून आमी भारत स्वाभिमान म्हणून लॉर्ड दिवपाक तयार आसा पण एज्युकेशन सिस्टम मारपाची ट्राय केली तर प्रत्येकान आमी जीन पॅन्ट घालपाक मातशें गेलो घालिता जाल्यार आमी टायट पॅन्टी घालपाक करता जाल्यार इंग्लिशीन आमी भुरग्यांक शिकोवपाक सोदता पण हातूंच्या आज आमची जी दशा झाली की आमी घेतलेल्या आमी भारतीय उलयताना झालेल्यान सगळे आमी नाका जाले परकी जे आसा ते घेवपाक लागले. चड सांगपाचे फक्त काय गरज ना कित्याक महा सचीव जे आसा राष्ट्रीय सचीव हाणी जर उलोवपाक येतले आसा कोंकणी येले तुमकां सांगपाची प्रयत्न करता आनी ही चॅलेंज जर तर भारत देशाक जर तर स्वामीजी जर तर गोंयच्या धर्मा सोडून ही सगळी आमी चॅलेंज घेवया आनी जेन्ना 18 दिसा भितर सगळ्यांक 1 लाखाचो सगळ्यांत चड वांटो हो फोंड्यांक घेवपाचो आसा आनी फोंड्यांक जर तर आमी अशें म्हणटा की आमी एटलिस्ट कमीत कमी 40,000 मेंबर करतले तेन्ना हाजे फुडें जर तर कोणी जर तर आमच्या भारत स्वयंसेवक सदस्य तुमच्या घरा घरा कडेन येता तेन्ना घरच्या सगळ्या लोकांक मेंबर तांचो साथ दिया प्रत्येक वाड्याचे तुम्ही चला कितें आसा भारत स्वाभिमान हांगा कोणाचो स्वाभिमान न्ही पणजेचो न्ही जाल्यार महाराष्ट्राचो न्ही गोवाचो न्ही भारत स्वाभिमान आमची भारत माता जर तर बरी उरली जाल्यार आमच्या भुरग्यांक लागून आमी कितें तरी दवरतले आनी कांय न्ही म्हणून आज जर आमी जर 50% जर ह्या राज्याचेर जर आमी रावले तर कोणी तरी आमचो फाटलो देश बरो दवरलेलो म्हणून तो निसर्ग बरो दवरलेलो उरलो आतां हाज्या फुडें जर आमी आमच्या भुरग्यांक किंवा आमच्या पणतुरांक लागून कितें दवरूं जाय तर प्रत्येकान आतां दुसरी स्वतंत्र चळवळ चळवळ 1947 जशी चळवळ झाली तशी आता चळवळ जावपाची आसा 4 वर्सां भितर जावपाची आसा कोणाच्या मनात मात्र सुद्दां दिवपाक दुबाव दिसपाक नाका जे चल्लेले आसा ते 100% ते सोंपतले आनी 2014 एक नवी भारत जगश्रेष्ठ भारत स्वाभिमानी भारत सुंदर भारत सुखी भारत समृद्ध भारत गरिबी नाशिल्लो भारत न्ही आनी रोग राही किंवा भुकेन मरपा सारखो भारत न्ही असो आमी तयार करूया तेन्ना जर तर मुखार जर तुमकां कोणें जर तुमच्या भुरग्यांनी विचारले तुम्ही जर ह्या भारत काँग्रेसचे मेंबर आशिल्ले तुम्ही कितें केला डेफिनेटली आमी केला म्हणून सगळे जाण मिळून आमी परत 1 तारखेक स्वामीजी जेन्ना मुद्दम येता आमचे खूब आमच्या गोंयकारांक जे आसंग येता तेन्ना आमी फक्त फोंड्यांनी आमचे ज्या ज्या जाग्यार आसा तांकां सगळ्यांक इकडे करून हे शिबीर आमी व्हडले करूया आनी आज तुम्ही इतले मोठे संख्येन हांगा आयिल्ल्या बद्दल हांव पतंजली योग समिती आनी भारत स्वाभिमान तर्फे तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक नमस्कार करता. धन्यवाद दोतर. सगळ्यांक एक कळवणी की खादीचे काही वस्तू खादीचे धबे किंवा अन्य कापड त्यांचे हंगासर आम्ही स्टॉल लायिल्लो आसा तर ज्यांना कोणाक इच्छा आसा त्यांनी मागीर वतना त्यांच्यान खरेदी करून वचचे. अन्य काही गजाली थंय विक्रीक आसा. स्वदेशीचो एक भाग ह्या नात्यान आमी जी सुरवात केली आसा संपूर्ण गोंयां भितर दोतोर आमी सांगपाक विसरला आसतले की वेगवेगळ्या ठिकाणी खादीची भांडारां उभारपाची आमी सुरवात केली आसा. सगळ्या 11 तालुक्यां भितर अशा प्रकारची दुकानां सुरवातीक जातली आनी मागीर गांवोगांव आमी वचपा खातीर प्रयत्न करतले. हांगासर आयिल्ले आमचे काही पतंजलीचे आनी भारत स्वाभिमानचे पदाधिकारी जशे दिवचाच्या कमलेश बांदेकर आयल्या पेडणेच्या विश्वास प्रोग्राम आयल्या कमलाकांत काळी आसा संदेश पाळगांवकर आसा आनी खूब वेगवेगळे आसात आमचे योग शिक्षक आसा विनय देसाई त्याबरोबर अशे सगळे पदाधिकारी जे अन्य कोण खंयचे आयले आसा तांची सगळ्यांचे आमी फोंडेकारांच्या वतीन परत एकदा स्वागत करता जरी ते आमच्या परिवाराचे सदस्य असले जाल्यार सुद्दां. चड वेळ घेनासतना म्हाका बऱ्या दिसता हांगा सांगून दिसता की ज्या व्यासपीठाचेर आमी उबे रावले आसात ते व्यासपीठ उबे करणारो आमचो एक योग शिक्षक दास पळयता ताणें आभार मानलेले ताका बरें दिसचें ना पूण तरी सुद्दां ताणें आपलें काम संपूर्ण एक प्रेम हितून भितर वचून हे व्यासपीठ उबें केल्लें आसा ताजे बद्दल आमी धन्यवाद आमी व्यक्त करता. आनी चड वेळ घेनासतना जेंचे आमी आयज विचार आयकोपाक हांगासर उत्सूक आसा ते राजीवजी दिक्षीत पहाट जाता तेन्ना तेंची सकाळ जाताली स्वदेशीच्या सकाळ उठल्या बरोबर आमी तोंड धुता आमी ब्रशांत तोंड धुता ते सुद्दां धुता परंतु स्वदेशीचो ब्रश आसता तांचो स्वदेशीची पेस्ट
सकाळला आणि स्वदेशीच्या संपूर्ण देशभर स्वदेशीचे चिंतन, स्वदेशी खावा, स्वदेशी पेहराव करा, स्वदेशी विचार करा आणि निस्तारताना सुद्धा स्वदेशीचा विचार करीत करत निघाव. स्वप्नपट्टातून सुद्धा त्यांचा स्वदेशीचा मुझे देश मुझे भारत माता इंग्रजी महाराजांनी जशी म्हटले मुझे देश मुझे देशातले सगळे नागरिक हे कशा पद्धतीने सुखी असतले समाधानी असतले हेच त्याच्या स्वप्नात भितर आता येत असतात. आणि म्हणून जागृता अवस्थे भितर आणि सुप्त दिलेल्या अवस्थेत सुद्धा स्वदेशीचा विचार करणारे आणि स्वदेशी जगणारे राजीवजी दीक्षित म्हणजे तर मला असे म्हणजे पाहिजे की राजीवजी दीक्षित तुम्हाला दुसरा नाम आहे स्वदेशी झाले तिथून काय वावर राहते ना. असे राजीवजी दीक्षित स्वदेशीच्या संबंधी आपल्या प्रतिदे सांगतात ते आम्ही सगळे ऐकूया. पण विनंती करत आहोत राजीवजी राजीवभाई की वेळ समारोह संबोधित करे. उपस्थित सभी सम्माननीय माताओं बहनों, हमारे भारत स्वाभिमान के गोवा प्रभारी भाई डॉक्टर सूरज पानेकर जी, हमारे भारत स्वाभिमान के कोष प्रभारी श्री मोहन आमशेकर जी, भारत स्वाभिमान के जिला अध्यक्ष महाबलेश्वर भाई भाई श्री दिनेश जी, तालुका अध्यक्ष भाई श्री संदीप जी और महिला जिला प्रभारी बहन नीता नायक और माननीय श्री बीपी राजू जी, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ. आपने ये सुंदर व्यवस्था की है, मुझे आपसे संवाद करने का मौका मिला है. इस बात के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से कोंकणी बात नहीं कर सकता, इसलिए हिंदी में बात करूंगा. मेरी हिंदी सरल आसान आपको समझ में आएगी. भारत स्वाभिमान का एक अभियान सारे देश में शुरू हुआ. परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने इस अभियान को प्रारंभ किया 5 जनवरी 2009. अभियान प्रारंभ हुआ हरिद्वार नाम के नगर से. अब भारत के 680 जिलों में यह अभियान चलता है. इस अभियान में 2,40,000 युवक शिक्षक तन मन धन से काम कर रहे हैं. अगले 2 वर्षों में 11,00,000 युवक शिक्षक इस अभियान में काम करने के लिए आने वाले हैं. भारत देश के 5 कोटी नागरिकों को हम इस अभियान के साथ जोड़ने वाले हैं, उनको मेंबर बनाने वाले हैं. और हर व्यक्ति अगर 10 लोगों को कन्विंस करे, उनको मेंबर बनाए, तो 50 कोटी नागरिकों का ये अभियान अगले 4 वर्षों में होगा. आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये इतना बड़ा अभियान किस कार्य के लिए शुरू हुआ है. आजादी के पिछले 63 वर्षों में कुछ ऐसे कार्य हैं जो हम कर नहीं पाए सरकार के स्तर पर, उन कार्यों को पूरा करने के लिए ये अभियान शुरू हुआ है. इस अभियान के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं. पहला उद्देश्य है भारत के नागरिकों को स्वस्थ बनाना, उनका आरोग्य उनको मिले, निरोगी हों, रोग मुक्त हों, स्वस्थ हों सभी नागरिक भारत देश के, ये अभियान का प्रथम उद्देश्य है. अभियान का दूसरा उद्देश्य है भारत देश को निरोगी बनाना, स्वस्थ बनाना, आरोग्यशाली बनाना. भारत के नागरिक रोग मुक्त हों, स्वस्थ हों, निरोगी हों और भारत देश भी रोग मुक्त हो, स्वस्थ हो, निरोगी हो, इन 2 उद्देश्यों के लिए अभियान समर्पित है. भारत के नागरिकों को स्वस्थ बनाने की गरज क्या है, जरूरत क्या है? हमारे देश भारत में आजादी मिली 63 वर्ष पूरे हुए, 115 कोटी की लोकसंख्या है. अभी थोड़े दिन में नया लोकसंख्या का आंकड़ा आने वाला है, कल से नई लोकसंख्या की गणना शुरू हुई है. सरकार कह रही है कि अभी लोकसंख्या 120 कोटी के आसपास होने वाली है. 120 कोटी की लोकसंख्या में 77 कोटी नागरिक गंभीर बीमारियों के शिकार हैं. भारत में 5,70,00,000 लोगों को डायबिटीज है और डायबिटीज बहुत खतरनाक रोग होता है, ये ठीक नहीं हो पाता है. जीवन भर आपको औषधि लेनी पड़ती है इंसुलिन नाम की, फिर भी रोग ठीक नहीं होता है. और डायबिटीज के बारे में सारी दुनिया के चिकित्सा वैज्ञानिक ये कहते हैं
की डायबिटीज साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर अर्थात डायबिटीज जिस व्यक्ति को हो जाता है वो कभी भी मर सकता है, उसको हार्ट अटैक आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, और इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति आती है जब उसका मस्तिष्क चेतना शून्य हो जाता है, कोमा में चला जाता है और कोमा से बाहर आने की कोई कंडीशन नहीं रह पाती। सारी दुनिया में डायबिटीज के लिए परेशानी बढ़ रही है क्योंकि इस रोग की चिकित्सा नहीं है। इस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं कर पाते। यह रोग डायबिटीज जो है वो दबाया जा सकता है लेकिन इसको मिटाया नहीं जा सकता क्योंकि अभी तक दुनिया में इसकी औषधि तैयार नहीं है। इसी तरह से भारत में 4,50,00,000 लोगों को हृदयघात का रोग है, उनको हार्ट अटैक आता है, उनके हृदय में अवरोध है, ब्लॉकेज है, किसी को 70% ब्लॉकेज है, किसी को 80%, किसी को 90%, कुछ लोग तो 99% ब्लॉकेज में तकलीफ पा रहे हैं। और इस बीमारी में भी संपूर्ण रूप से इलाज नहीं होता है। आप जब भी ऑपरेशन कराते हैं, हार्ट अटैक आता है तो एक एंजियोप्लास्टी नाम का ऑपरेशन किया जाता है। इस एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन में एक स्प्रिंग आपके हार्ट की वेन्स में, आर्टरीज में डालते हैं और वो स्प्रिंग छोटा सा होता है, जैसे बॉल पेन में स्प्रिंग होता है, उसको डॉक्टर और चिकित्सक अपनी भाषा में स्टंट कहते हैं। जब आप एंजियोप्लास्टी कराते हैं और स्टंट आपकी बॉडी में डाल दिया जाता है, 6-7 महीने के बाद वो स्टंट बेकार हो जाता है, उसकी लाइफ जाती नहीं, और 6-7 महीने के बाद आपको फिर अटैक आता है। तो सेकंड टाइम फिर डॉक्टर एंजियोप्लास्टी करता है, एक और स्टंट डालता है, फिर 6-8 महीने बाद वो भी बेकार हो जाता है, और तीसरा एंजियोप्लास्टी कोई व्यक्ति झेल नहीं पाता, अक्सर डेथ हो जाती है। इसमें भी बहुत गंभीर समस्या है। बाईपास सर्जरी आपको करा दें, उसका भी प्रॉब्लम है। बाईपास सर्जरी में आपके पैरेलल आर्टरी या वेन्स डाल देंगे लेकिन उसमें भी ब्लॉकेज आता है, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि ब्लड में, खून में ब्लॉकेज की अगर टेंडेंसी बन गई है तो बार बार ब्लॉकेज होता ही रहता है, और इस बीमारी में भी संपूर्ण इलाज नहीं हो पाता। भारत में करीब 8 करोड़ नागरिक हैं जिनको कैंसर है, और इसमें से 24,00,000 नागरिक हर वर्ष मर जाते हैं कैंसर के कारण। और कैंसर के बारे में तो आप जानते हैं, जिसकी कोई चिकित्सा अभी तक पूरी दुनिया में नहीं है। भारत में 12 करोड़ नागरिक हैं जिनको आंखों के रोग हैं, जैसे कैटरेक्ट है, मायोपिया है, नाइट ब्लाइंडनेस है, डे ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है, और सबसे खतरनाक आंखों का एक रोग भारत में हुआ ग्लूकोमा, और इससे भी ज्यादा खराब है रेटिनल डिटैचमेंट, वो ठीक ही नहीं होता, कभी नहीं ठीक होता। 12 करोड़ नागरिकों को ये आंखों के रोग हैं। 14 करोड़ भारतवासियों को लंग्स का इंफेक्शन है, दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, इन बीमारियों में भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। आप किसी भी चिकित्सक के पास जाएंगे और आप उसको कहेंगे दमा, तो चिकित्सक आपको कहेगा दमा तो दम निकलने के बाद ही जाता है, जब पेशेंट मर जाता है दमा ठीक हो जाता है, माने दमा का ट्रीटमेंट नहीं। फिर भारत में 17 करोड़ नागरिक हैं जिनको जॉइंट्स में पेन है, नी जॉइंट्स में, घुटनों में दर्द है, हिप जॉइंट्स में, कमर में दर्द है, कंधों में दर्द है, हमारी फिंगर जॉइंट्स में पेन है, और वो पेन 3 कारण से है, आइदर गाउट हुआ है, अर्थराइटिस, और अर्थराइटिस का 2 पार्ट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट का पूरी दुनिया में ट्रीटमेंट नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस तो कई बार ठीक होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस ठीक ही नहीं होता, जीवन भर दर्द, पेन पेन हमेशा।
दुख रहता है। इसी तरह से भारत में 20 कोटी नागरिकों को हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन माने हाई ब्लड प्रेशर, और इसका भी ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि जिंदगी भर इसके लिए टैबलेट खाई है, अभी जिंदगी भर टैबलेट नहीं खाया जाता, जिंदगी भर तो भोजन खाया जाता है, दूध पिया जाता है, दही खाया जाता है, टैबलेट नहीं खाया जाता जीवन। टैबलेट तो 2-3 महीने में ठीक करे तब तो अच्छा है, नहीं तो टैबलेट पर आप अगर डिपेंडेंट हो गए तो आपका तो बॉडी खत्म होने वाला है। गंभीर समस्या है हमारे देश में, और हर दिन नया नया रोग आता रहता है। अभी थोड़ी दिन पहले स्वाइन फ्लू आया और उसके कारण बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो गई। थोड़े दिन पहले बर्ड्स फ्लू आया था, तब लोगों को बहुत सारा तकलीफ हो गया। अभी और एक खतरनाक बीमारी आ गया है, HIV/AIDS, जिसके बारे में सारे देश और समाज को तकलीफ हो चुकी है। नया नया बीमारी आता ही रहता है, और इन बीमारियों में 77 कोटी नागरिक दुखी है, परेशान है, क्या करें उनको समझ में नहीं आता। डॉक्टर्स हमारे देश में बहुत कम है चिकित्सा करने के लिए। सारी दुनिया में, अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में, फ्रांस में चिकित्सकों का संख्या बहुत अधिक है, पॉपुलेशन के हिसाब से वहां चिकित्सक बहुत हैं, भारत में बहुत कम चिकित्सक हैं। संपूर्ण भारत का पॉपुलेशन अगर 120 कोटी माना जाए तो इसमें सिर्फ 25 लाख चिकित्सक हैं, 25 लाख। और ये जो 25 लाख चिकित्सक हैं, ये MBBS, BHMS, BAMS, BUMS, BUMS अर्थात यूनानी पद्धति, BAMS अर्थात आयुर्वेदिक पद्धति, BHMS अर्थात होम्योपैथी पद्धति, MBBS अर्थात एलोपैथी पद्धति, सभी पद्धतियों का कुल मिलाकर 25 लाख चिकित्सक हैं। और ये जो 25 लाख चिकित्सक हैं, इनमें से 7 लाख चिकित्सक भारत से भाग गए, अमेरिका चले गए, यूरोप चले गए, वो भारत में नहीं है। पढ़ाई भारत में किया, भोजन भारत का खाया, पानी भारत का पिया, सब कुछ भारत में किया, और भागकर अमेरिका चला, यूरोप चला, क्योंकि वहां थोड़ा पैसा जास्ती मिलता है। और वो पैसा जास्ती इसलिए मिलता है कि अमेरिका का $1 भारत का 50 रुपया है, इसलिए वो भाग गया, अभी वापस आने का कोई चांस नहीं। अभी भारत में चिकित्सा देने के लिए 18 लाख चिकित्सक ही बचा है, अभी 18 लाख चिकित्सक है, और 77 कोटी बीमार नागरिक हैं, चिकित्सा कभी भी संभव नहीं। एक डॉक्टर बहुत ईमानदार, बहुत कर्मठ काम करता है, सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक, तो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा, जास्ती जास्त 100 पेशेंट देख सकता है, 100 मरीज देख सकता है। और हमारे देश में मरीज 77 करोड़ हैं, 77 कोटी, और डॉक्टर जिन मरीजों को देख सकता है वो ज्यादा से ज्यादा 2 कोटी, तो 75 कोटी मरीजों का क्या होगा? ये बहुत गंभीर प्रश्न। और इससे ज्यादा गंभीर प्रश्न हमारे देश में है कि चिकित्सा करना इतना महंगा है कि गरीब लोगों के लिए संभव नहीं। भारत में 84 कोटी लोग इतने गरीब हैं कि उनको एक दिन में खर्च करने को 20 रुपए नहीं है, वो चिकित्सा नहीं करा सकते, खर्चा बहुत होता है। छोटी छोटी बीमारी आपको हो जाए, सर्दी, जुकाम, खोखला, खांसी, इस बीमारी को ठीक करने में 400-500 रुपए आराम से खर्च होता है। वायरल फीवर आया, मलेरियल फीवर आया, कम से कम 1,500-2,000 रुपए खर्च होता है। और अगर आपको सिर में दर्द हो गया, माइग्रेन हो गया, तब तो आपका 1,000 रुपए जीवन भर खर्च होने वाला है। अगर आपको एंजियोप्लास्टी कराना है तो 1,50,000 रुपए खर्च होने वाला है। अगर बाईपास सर्जरी कराना है 2 लाख रुपए खर्च होने वाला है। किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़े तो 3,50,000 रुपए खर्च है।
लीवर ट्रांसप्लांट करना हो तो 4,50,000 रुपए खर्च है, कैंसर का ट्रीटमेंट अगर करना हो तो कम से कम 3-4 लाख रुपए खर्च होगा और उसका गारंटी नहीं है कि पेशेंट जिंदा रहेगा। कैंसर ट्रीटमेंट में ये देखा गया है कि जब किसी पेशेंट का कीमोथेरेपी स्टार्ट हो जाता है उसका लाइफ कम होना शुरू हो जाता है और लास्ट कीमोथेरेपी तक आते आते पेशेंट मर जाता है, लाखों रुपए भी चले जाते हैं। बहुत गंभीर प्रश्न है, महंगाई बहुत हो गई है, दवाएं अब सस्ती नहीं है। पहले जो दवा 25-30 पैसे में मिलता था पैरासीटामोल, अब उसका कीमत 1-1.5 रुपए से ऊपर है। जो इंजेक्शन आसानी से 3-4 रुपए का मिलता था अब 35-40 रुपए से कम में नहीं आता। सभी दवाएं महंगी हो गई। दवाओं के महंगा होने का कारण क्या है? मैंने इस विषय पर बहुत अभ्यास किया। लास्ट 20 इयर्स में दवाएं बहुत महंगी हो गई। 1991 में भारत का दवाएं सबसे सस्ती थी, लेकिन 91 में क्या हुआ, भारत सरकार ने एक पॉलिसी लाया, नीति बनाया, उसका नाम है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। उस नीति में क्या हुआ, औषध निर्माण करने वाले जो कंपनीज हैं उनको 1000% का प्रॉफिट सरकार ने छूट दे दिया। पहले हमारे देश में क्या होता था, औषधि निर्माण करने वाली कंपनी ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेते थे, कानून था, और औषधि का जो प्राइस होता था वो गवर्नमेंट फिक्स करती थी, तो गवर्नमेंट के प्राइस फिक्सेशन के कारण ज्यादा महंगी औषधि नहीं मिल सकती थी। और सभी कंपनियों को यह आदेश था कि जो कंपल्सरी मेडिसिन होती है, असेंशियल मेडिसिन होती है, अति आवश्यक औषधि होती है, उसमें वो 15% से जास्ती प्रॉफिट नहीं ले सकते थे, ये कानून था। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब भारत का फाइनेंस मिनिस्टर बने, इन्होंने वो कानून को उलट दिया, अभी एक नया कानून बना दिया। अभी कानून ये है कि कोई भी औषध कंपनी 20,000% प्रॉफिट ले सकती है, 50,000% प्रॉफिट ले सकती है, 1,00,000% प्रॉफिट ले सकती है, अभी नया कानून ये है। तो औषध कंपनियों ने हजारों लाखों प्रतिशत प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया। मैंने भारत में औषधि का काम करने वाली कुछ कंपनियों का बैलेंस शीट इकट्ठा किया पिछले 10 साल का। एक कंपनी है उसका नाम है फाइजर, दूसरा एक कंपनी है उसका नाम है ग्लैक्सो, तीसरा एक कंपनी है उसका नाम है कैडिला, चौथा एक कंपनी है उसका नाम है रेनबैक्सी, पांचवा एक कंपनी है इस देश में उसका नाम है वाइथ, छठा एक कंपनी उसका नाम है एली लिली, सातवां एक कंपनी उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, आठवां एक कंपनी उसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन, फिर एक कंपनी उसका नाम है सीबा गायकी। ऐसे 10 कंपनियों का मैंने स्टडी किया तो उनका मिनिमम प्रॉफिट परसेंटेज 20,000% है, 20,000% मुनाफा कमाते हैं। और ये मुनाफे में क्या होता है, ऊपर से नीचे का बंटवारा होता है। हमारे भारत में इस समय औषधि बेचने वाली कंपनियां लगभग 20,000 है और ये सभी कंपनियों को 1000% मुनाफा हो रहा है। और ये मुनाफे का शेयरिंग कैसे होता है, कंपनी जब लाइसेंस लेती है तो उसका कुछ प्रॉफिट जो शेयर है वो पुढ़ारियों को देती है, पॉलिटिशियंस को देते हैं, अदरवाइज उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा, पॉलिटिशियंस अपना हिस्सा खाते हैं। उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं, उनको शेयर मिलता है, फिर उसके बाद वो दवा जब बिकती है तो दवा बिकवाने के लिए डॉक्टर्स को कमीशन मिलता है, डॉक्टर अपना कमीशन खाते हैं, फिर डॉक्टर्स के बाद जो केमिस्ट है रिटेलर उसको कमीशन होता है, और डॉक्टर और केमिस्ट के कमीशन के बाद वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो डॉक्टर्स के पास जाके मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाता है उसका कमीशन होता है, फिर वो सारा कमीशन ऊपर से नीचे तक बंदर बांट होता है और ये सारा पैसा आपकी जेब से निकाल लेते हैं, आपको लूटते हैं और उस लूट में ऊपर तक शेयर करते हैं।
पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स, केमिस्ट, रिटेलर्स, ड्रगिस्ट, ये सब लूट मार करते हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि रिटेलर और केमिस्ट का प्रॉफिट मार्जिन 35% है, डॉक्टर्स को कमीशन 25 से 30% है, एमआर को 10 से 15% है, और फिर पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, उनको कमीशन 15-20% है। ये ऊपर से नीचे तक कमीशन में इतना पैसा जाता है कि एक रुपए का मेडिसिन 200 रुपए का हो जाता है, और वो सारा पैसा आपकी जेब से निकालते हैं। मैंने कुछ कैलकुलेशन किया, मैं आपको बताता हूं। एक मेडिसिन है, उसका नाम है पैरासीटामोल। ये मेडिसिन आपको दिया जाता है जब आपको बुखार आता है, टेम्परेचर होता है, ताप होता है। ये एक पैरासीटामोल 400 mg का कारखाने में सिर्फ 2 पैसे में बनता है, ओनली 2 पैसा पर टैबलेट, और आपको वो 2 रुपए का बेचते हैं। अब 2 पैसे का टैबलेट अगर 2 रुपए में आप खरीद रहे हैं, हजारों तक का मुनाफा। और एक मेडिसिन बताता हूं, एस्पिरिन, डिस्प्रिन, ये दोनों मेडिसिन 400 mg का कारखाने में बनता है, 1 पैसे में 1 टैबलेट, और आपको बेचते हैं 1.5-2 रुपए का 1 टैबलेट। क्विनोलिनोल नाम का एक मेडिसिन है, ये बच्चों को देते हैं डायरिया और डिसेंट्री में। एक मेडिसिन बनाने का खर्चा 3 पैसे आता है, 1 टैबलेट क्विनोलिनोल 200 mg का, और वो आपको बेचते हैं 3.5-4 रुपए। लूट मचा हुआ है, और सरकार कहता है लूट का खुला छूट, इसी का नाम ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन माने लूट का खुला छूट, जितना लूटना है लूटो, कोई कानून नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, सभी कुछ मल्टीनेशनल और ड्रग्स कंपनीज के ऊपर है। तो ट्रीटमेंट का कॉस्ट बहुत ज्यादा है हमारे देश में, महंगाई बहुत है, दवाओं का कीमत जास्ती है, डॉक्टर का फीस बहुत जास्ती है, ऑपरेशन कॉस्ट बहुत जास्ती है, इसलिए गरीब लोग इलाज कर नहीं सकते। और यदि कोई व्यक्ति इलाज करने का कोशिश करेंगे तो उसका घर तो बिकने वाला है, जमीन तो जाने वाली है, घर में जो दागीने हैं सोने चांदी के वो तो बिक जाने वाले हैं, अगर उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये एक और सीरियस प्रॉब्लम हमारे देश में। और लास्ट सीरियस प्रॉब्लम है कि जो मेडिसिन आप खाते हैं, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल, एस्पिरिन, डिस्प्रिन, नोवाजिन, एनाल्जिन, क्विनोलिनोल, मेक्साफॉर्म, एंट्रोवायफॉर्म, ये सभी मेडिसिन पॉइजनस है, जहर है, खतरनाक जहर। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, दुनिया का अमेरिका, ब्रिटेन जैसा अमीर देशों में जो मेडिसिन बंद हो चुका है, 20 साल पहले बंद हो चुका है, वो मेडिसिन भारत में बेचा जाता है। पैरासीटामोल नाम का मेडिसिन अमेरिका में बैन है, 100% लास्ट 20 इयर्स से बैन है, पैरासीटामोल भारत में बेचते हैं। आप बोलेंगे क्यों बैन है? पैरासीटामोल ऐसा खतरनाक मेडिसिन है जिसको आप बार बार इस्तेमाल करेंगे तो किडनी डैमेज हो जाता है, किडनी फेलियर के केसेस सबसे ज्यादा आते हैं पैरासीटामोल के कारण। और किडनी डैमेज हुआ तो 3,50,000 रुपए खर्च होता है किडनी ट्रांसप्लांट करने का। बहुत खतरनाक मेडिसिन पैरासीटामोल। क्विनोलिनोल नाम का एक मेडिसिन जो छोटे बच्चों को देते हैं डायरिया डिसेंट्री में, ये मेडिसिन अल्सर करता है, अल्सर के बाद पेप्टिक अल्सर होता है, और बच्चों को अक्सर कैंसर हो जाता है। क्विनोलिनोल इतना खतरनाक मेडिसिन। क्विनोलिनोल मेडिसिन को दुनिया का 50 देश में बैन किया जा चुका है, दुनिया अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, हमारे भारत में वो बिक रहा है क्विनोलिनोल। एस्पिरिन, डिस्प्रिन, नोवाजिन, एनाल्जिन, ये एनर्जेसिक फैमिली का 4 मेडिसिन है, ये सभी बैन है दुनिया में। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी बैन है ये मेडिसिन, भारत में बिक रहा। आपको सुनकर बहुत दुख होगा, एक
संस्था है दुनिया में, उसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है कि भारत देश के मार्केट में 84,000 मेडिसिन बिक रहा है, 84,000 मेडिसिन बाजार में है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि भारतीय नागरिकों को सिर्फ 350 मेडिसिन की जरूरत है और 84,000 बिक रहा है। जरूरत है 350 मेडिसिन का, बिक रहा है 84,000। आप बोलेंगे कैसे बिक रहा है, वो डॉक्टर का कमीशन का जो लालच है उसमें डॉक्टर वो प्रेस्क्रिप्शन लिख रहा है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड प्रेशर आपको है, आप उससे बोलते हैं प्रेस्क्रिप्शन लिखो, तो ब्लड प्रेशर का वो 10-12 टैबलेट लिख रहा है, उसमें से एक टैबलेट आपको काम आने वाला है, बाकी सब वो कमीशन के लिए लिखता है। डॉक्टर को कमीशन चाहिए, बिना कमीशन के कोई डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिखता इस देश में। हम सोचते हैं चिकित्सक या डॉक्टर बहुत बड़ा देवता है, भगवान है, वो बिजनेसमैन है, क्रूक्ड बिजनेसमैन, खतरनाक क्रूर बिजनेसमैन है, कठोर। आपका बीमारी में से जो पैसे निकालेगा उस बिजनेसमैन को क्या कहेंगे? अभी डॉक्टर में दया, प्रेम, करुणा, सेवा, ये सब खत्म हो चुका है। बिजनेस बिजनेस बिजनेस, पैसा पैसा पैसा। और कैसे लूटेगा आपको, एक दो उदाहरण देता हूं। आपको सपोज कुछ बीमारी हुआ, सीधे आईसीयू में डाल देगा, इंटेंसिव केयर में। और जैसे ही आप आईसीयू में गया, अभी तो जिंदगी आपका खत्म हो गया, आईसीयू में डालेगा। दिल्ली का आईसीयू का चार्जेस जो है ना, 5-star होटल के बिल से भी ज्यादा होता है। 700 rupees डे, 700 rupees एक दिन, 800 rupees, 1000 rupees। और कब तक रखना है आईसीयू में, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, डॉक्टर डिसाइड करेंगे। फिर आईसीयू में डालने के बाद एक बहुत बड़ा घोटाला होता है कि वो पेशेंट को देखने नहीं देता, वो कहता दूर रहना, जाना नहीं वहां, दूर रहना। क्यों? आप नजदीक रहेंगे तो माहिती हो जाएगा क्या मेडिसिन दिया क्या नहीं दिया, कितना इंजेक्शन दिया कितना नहीं दिया, वो आपको बोलेगा दूर रहना। फिर आपको बिल देता जाएगा, देखो सुबह 3 इंजेक्शन में लगाया। आप पूछो डॉक्टर 3 इंजेक्शन लगाया, उसका तो कुछ बॉटल होगा खाली इंजेक्शन का, वो जरा दिखा दो। वो नहीं देगा कभी भी, क्योंकि इंजेक्शन लगाया ही नहीं, पैसे लेगा आपसे इंजेक्शन। और इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति तब होता है जब आईसीयू में पेशेंट मरने की स्थिति में आ गया, तो उसको वेंटिलेटर पर रख देगा, मरने भी नहीं देगा आसानी से, वेंटिलेटर पर रखेगा उसको, और वेंटिलेटर का मशीन चलाएगा। आपको लगेगा पेशेंट जिंदा है, वो पेशेंट जिंदा है, मशीन चल रहा है। 2-4-6 वेंटिलेटर वेंटिलेटर वेंटिलेटर, बिल बन गया 50,000, 1,00,000, 1.5 लाख। फिर बोलेगा पेशेंट मर गया, अभी इसको लेके जाए। लेकिन पेशेंट का डेड बॉडी तब तक नहीं देगा जब तक तुम उसका पेमेंट नहीं कर। मुझे बहुत दुख होता है, मैं अभी बोलता हूं डॉक्टर कसाई है यमराज का भाई। कभी कभी मुझे लगता है यमराज डॉक्टर से जास्ती अच्छा है। यमराज सिर्फ जान लेता है, डॉक्टर पैसे भी लेगा जान भी लेगा, दोनों निकालेगा। मुझे कोई पूछता है राजीव दीक्षित तुम्हारे दिल का बात करो, तो मैं सबको हाथ जोड़कर मेरे दिल का बात कहता हूं, बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो। बीमारी खतरनाक नहीं है, उससे जास्ती डॉक्टर खतरनाक। और ये डॉक्टर क्या बोलते हैं, वो कहते हैं हमने MBBS MD किया, 20 लाख रुपए खर्च किया, 30 लाख रुपए खर्च किया, 40 लाख खर्च किया, अभी हमको तो लूटने का लाइसेंस मिला, तो हम तो लूटने वाला। ऐसा विशेष सर्किल हमारे देश। अभी क्या करना,
77 कोटि नागरिक तो बीमार है, वो तो क्या कर सकते हैं। डॉक्टर वैसे ही बहुत कम है, महंगाई बहुत ज्यादा है, मेडिसिन बहुत कॉस्टली है और जो मेडिसिन आप खा रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। दुनिया में एक बहुत बड़ा डॉक्टर है एलोपैथी का, उसका नाम डीन ओर्निश, अमेरिका में है। मेरा उसका थोड़ा दोस्ती है, मैं उसको ईमेल करता हूँ। एक बार मैं डॉक्टर डीन ओर्निश को पूछा कि एलोपैथी चिकित्सा में कौन सा ऐसा डिसीज है जिसका ट्रीटमेंट हो सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन किया उसको। तो वो बोलता है डीन ओर्निश, एक भी डिसीज का ट्रीटमेंट एलोपैथी में नहीं हो सकता। मैं बोला फिर तुम करते क्या हो, वो बोलता है हम ट्रीटमेंट नहीं करते, हम मैनेजमेंट करते, हम डिजीज को मैनेज करते, ट्रीट नहीं करते, मैनेज करते। तो अभी डॉक्टर नहीं है, मैनेजर है और वो सारा मैनेजमेंट आपके पैसे पे होता है, डॉक्टर के पैसे पे नहीं होता है। फिर मैं उसको बोला आप लोग मैनेजमेंट करते हैं, क्यों करते हैं? वो कहता है कि एलोपैथी चिकित्सा में किसी भी डिसीज के लिए मेडिसिन बना नहीं अभी तक। फिर मैं उनको पूछता हूँ 84,000 जो मेडिसिन बिकता है वो क्या है, वो कहता है ये सभी पॉइजन है, मेडिसिन नहीं है, इनका सभी का साइड इफेक्ट है, एक भी मेडिसिन इसमें नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले मैं डीन ओर्निश को पूछा कि दुनिया के लोगों को चिकित्सा देना है तो क्या करना चाहिए, वो बोलता है सभी को आयुर्वेद सिखाना चाहिए, योग सिखाना चाहिए, प्राणायाम सिखाना चाहिए। मैं पूछा क्यों, तो उसने कहा ट्रीटमेंट तो आयुर्वेद में ही होता है, योग और प्राणायाम में होता है, एलोपैथी में तो मैनेजमेंट होता है, डिसीज का ट्रीटमेंट नहीं होता। और डीन ओर्निश जो है ना कार्डियक है, कार्डियक सर्जन है, कार्डियक सर्जन आप समझते, हार्ट अटैक आने के बाद ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर। वो बोलता है कि मेरे पास जब भी कोई पेशेंट आता है मैं उसको बोलता हूँ प्राणायाम करो, योग करो। डीन ओर्निश अमेरिका में बैठ के बोलता प्राणायाम करो, योग करो। मैं बोलता हूँ तुमको प्राणायाम कैसे आता, उसने कहा मुझे नहीं आता। मैं बोलता हूँ आस्था चैनल ऑन करो, बाबा रामदेव को देखो, प्राणायाम करो। वो मुझे कहता है कि मैं अमेरिका में बाबा रामदेव का सबसे ज्यादा प्रचार करता हूँ, सभी को बोलता आस्था चैनल देखो, प्राणायाम करो। और फिर क्या करते हैं, फिर वो कहता है मैं सबको बोलता हूँ दूध ही का रस पियो, दूध ही बहुत का उसका रस पियो। तो क्या होता है, वो कहता है प्राणायाम करेगा, दूध ही बहुतले का रस पिएगा, ब्लॉकेज पूरा क्लियर हो जाता है, उसको दूसरा ट्रीटमेंट का गरज ही नहीं। फिर मैं बोला इसमें तो बिजनेस नहीं हो सकता, उसने कहा हाँ ये तो प्रॉब्लम है, इसमें बिजनेस नहीं। तो भारत का जो चिकित्सा पद्धति है प्राणायाम योग और आयुर्वेद, इसी में ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट और कहीं नहीं है दुनिया। लेकिन दुर्भाग्य अपने देश का क्या है कि जो चिकित्सा पद्धति में ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेद योग प्राणायाम, उसका प्रचार नहीं है पूरे भारत, उसके बारे में किसी को माहिती नहीं है। और चूंकि प्रचार नहीं है, माहिती नहीं है, इसलिए ज्यादा लोग उसका लाभ नहीं ले पाते। इसलिए भारत स्वाभिमान की तरफ से हमने ये अभियान शुरू किया कि योग प्राणायाम और आयुर्वेद का प्रचार गांव-गांव होना, गली गली होना, नगर नगर होना, एक एक घर में जाके लोगों को ये माहिती देना, तभी लोग अपने स्वास्थ्य को, अपनी चिकित्सा को खुद कर सकेंगे और बीमारियों से बच सके। हमारे भारत में बीमारियों को मैनेज करने का जो डॉक्टर खर्चा देते हैं ना एक साल में, जो वो मैनेजमेंट करते हैं डिसीज का, वो खर्चा 7,00,000 करोड़ रुपए है, इतना खर्च हम करते हैं हर साल। और 7,00,000 करोड़ रुपए समाज का खर्च होने के बाद भी डिसीज का ट्रीटमेंट नहीं है, मैनेजमेंट। तो हम लोग सोचते हैं कि भारत के लोगों का 7,00,000 करोड़ रुपए का खर्च बचाना है, उनको योग और प्राणायाम सिखाना है, उनको आयुर्वेद का माहिती देना है,
तो योग प्राणायाम और आयुर्वेद का माहिती अगर किसी को भी होगा तो वो अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकता है, क्योंकि योग प्राणायाम ट्रीटमेंट करने का सबसे पुराना पद्धति है भारत में, लाखों वर्ष पुराना पद्धति। योग प्राणायाम का आविष्कार हुआ इस देश में महर्षि पतंजलि के द्वारा। महर्षि पतंजलि ने जब इस पद्धति का आविष्कार किया तब उन्होंने ये बात कहा कि किसी भी व्यक्ति को जीवन भर स्वस्थ रहना है तो सबसे अच्छा पद्धति है योग और प्राणायाम। स्वस्थ रहना है माने डिसीज फ्री रहना है, तो आप योग प्राणायाम करिए। महर्षि पतंजलि ने व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए योग और प्राणायाम सिखाया। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने इसमें रिसर्च किया और उन्होंने जो रिसर्च किया वो ये प्रूफ करने के लिए कि योग और प्राणायाम आपको डिसीज फ्री ही नहीं बनाता है, आपके बॉडी में जो डिसीज है उनका भी ट्रीटमेंट करा सकता है। ये स्वामी रामदेव जी ने किया लास्ट 10-15 ईयर्स, और तभी जाकर ये पता चला कि योग प्राणायाम किसी भी व्यक्ति को निरोगी बनाता है और रोग यदि शरीर में है तो उसको समाप्त कराता है। और हमने एक्सपेरिमेंट किए तो पता चला डायबिटीज नाम का जो रोग है जो कभी भी ठीक नहीं होता एलोपैथी में, वो योग प्राणायाम से 2-3 महीने में ही ठीक हो जाता है। हमारे पास ऐसे लाखों मरीजों के रिकॉर्ड्स हैं हरिद्वार पतंजलि योगपीठ में जिनको डायबिटीज 40 साल से था, 40 साल से वो इंसुलिन लेते थे, इंसुलिन डिपेंडेंट उनका लाइफ हो गया था और उन्होंने योग प्राणायाम शुरू किया, 2-3 महीने में सभी का इंसुलिन बंद हो गया और अभी लाइफ उनका एकदम नॉर्मल है। अब वो एक दिन में 200 ग्राम भी मिठाई खाता है तो शुगर लेवल नहीं बढ़ता उनका, ऐसा चमत्कार योग प्राणायाम में होता है। लाखों ऐसे मरीज हैं जो हाइपरटेंशन में थे और उन्होंने योग शुरू किया, प्राणायाम शुरू किया और 8-10 दिन में ही उनका सारा मेडिसिन बंद हो गया हाइपरटेंशन का। हमारे सभी तरह के डिसीज का ट्रीटमेंट योग प्राणायाम कर सकते। अभी तो हमने देखा अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, ये तीनों का ट्रीटमेंट योग प्राणायाम से होता है। आप अगर ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट करेंगे एलोपैथी में तो 8-9 महीने लगता है, लेकिन योग प्राणायाम से ट्यूबरकुलोसिस 3 महीने में कंप्लीट क्योर होता है। आपको माइग्रेन है 10 साल से 15 साल से 20 साल से, आप सिर्फ अनुलोम विलोम करेंगे तो 6-7 दिन में माइग्रेन ठीक हो जाए। आपको ब्रेन ट्यूमर है, आप अनुलोम विलोम करें, अनुलोम विलोम एक क्रिया है प्राणायाम की, और भस्त्रिका करें, आपका ब्रेन ट्यूमर डिसॉल्व हो जाए। किसी ताई को, किसी आई को यूट्रस में ट्यूमर है, वो ट्यूमर डिसॉल्व हो जाता है कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों एक साथ करें। आपको गाउट है, अर्थराइटिस है, ऑस्टियोरिमेटिक कुछ भी, आप कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों को साइमल्टेनियसली करें, ये गाउट और अर्थराइटिस क्योर हो जाए। हमने देखा योग प्राणायाम से 148 डिसीज कंप्लीट क्योर होता है, इंक्लूडिंग कैंसर। जिस कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है दुनिया में वो योग प्राणायाम से अभी ठीक हो रहा है। ब्लड कैंसर सबसे आसानी से ठीक होता है, ऑसियोफेगस माने आहार नली कैंसर बहुत जल्दी ठीक होता है, रेक्टम कैंसर, कोलेक्ट्रल कैंसर बहुत जल्दी ठीक होता है। योग शिक्षक गांव-गांव जाकर वो पूरा निःशुल्क सिखाते हैं, किसी से एक पैसा भी फीस नहीं लेते, तो ये निःशुल्क है। दूसरा, साइड इफेक्ट नहीं है। तीसरा, इसका कुछ भी एक्सपायरी डेट नहीं है, हाँ कुछ भी एक्सपायरी डेट। और चौथा, भारत देश का करोड़पति या रोडपति दोनों कर सकता है। और इसको करने के लिए जास्ती स्पेस नहीं लगता, मैं जितना स्पेस में बैठा हूं इतने स्पेस में हो जाता है।
दो फीट लंबा, दो फीट चौड़ा, चार वर्ग फीट स्पेस में सभी प्राणायाम हो जाते हैं। कितना सरल, करोड़पति रोगपति सब कर सकते हैं, अमीर गरीब सब कर सकते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी कर सकते हैं, जैन पारसी बौद्ध सभी कर सकते हैं, अमेरिकन हो, इंडियन हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, स्पेनिश हो, इटालियन हो, कोई भी कर सकता है। इसकी बाउंड्रीज नहीं, सीमाएं नहीं, असीम है, निस्सीम और इतना सिंपल है कि आप दो घंटे में सीख सकते हैं। एक दिन आप हमारे क्लास में आइए, दो घंटे में आप पूरा प्राणायाम सीख लें और सीखने के बाद आप किसी को भी सिखा सकते हैं। आप अपना डिसीज दूर कर सकते हैं, दूसरे का भी डिसीज हमेशा के लिए दूर करा सकते हैं। इतना परफेक्ट साइंस है। आप जो है ना हीलर हो सकते हैं, अपने को ठीक किया, दूसरे को ठीक कर दिया। और हमारे देश में ऐसा कहा जाता है, जो व्यक्ति स्वयं स्वस्थ होता है और दूसरों को स्वस्थ करने के काम में लगता है, उस व्यक्ति को 100% मोक्ष हो जाता है। हमारे जीवन में ये कहा जाता है कि अंतिम उद्देश्य क्या, तो भारतीय जीवन दर्शन में अंतिम उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष प्राप्ति किसको होती है, व्यक्ति खुद को स्वस्थ बनाए और दूसरों को स्वस्थ बनाने का काम करे, वो सभी लोगों को मोक्ष मिलता है। तो मैं चाहता हूं मैं मोक्ष में जाऊं, आप भी जाओ। कैसे, आप पहले अपनी बीमारी ठीक करो योग प्राणायाम से, फिर दूसरों को सिखा दो, उनकी बीमारी ठीक करा दो, आप सभी को मोक्ष मिल जाए। मुझे तो मोक्ष में जाना है, स्वर्ग में जाना है, और स्वर्ग का सीट चाहिए मुझे, इसीलिए मैं फोंडा आया। फोंडा में मेरे स्वार्थ के लिए आया, आपके लिए नहीं आया। मेरा स्वार्थ क्या है, मैं स्वयं स्वस्थ हो गया योग करके प्राणायाम करके, अभी मुझे कोई डिसीज नहीं। मैं चाहता हूं आप भी स्वस्थ हो जाएं योग प्राणायाम करके, तो मेरा मोक्ष का सीट पक्का हो जाए। मुझे लोकसभा का सीट नहीं चाहिए, राज्यसभा का भी नहीं चाहिए, मोक्ष का चाहिए। और जब मेरा सीट पक्का हो जाएगा, फिर आपका भी पक्का हो जाएगा। आपका बीमारी खत्म हुआ, आप दूसरे को सिखाना, आपका मोक्ष हो जाएगा, हम सब मोक्ष में इकट्ठे हो जाएंगे फिर। और सुना है कि वहां स्वर्ग में कुछ काम नहीं रहता, सुबह खाली, शाम खाली, दोपहर को खाली, तो वहां भी योग प्राणायाम का ही क्लास लगाएंगे और इंद्र भगवान को सिखाएंगे। ये उद्देश्य है भारत स्वाभिमान। इस उद्देश्य में एक छोटी सी बात मुझे आपसे कहनी है कि हमारी जो योग कक्षाएं चलती हैं, फोंडा में भी चलती हैं, सब जगह चलती हैं, गोवा में हमारी हर दिन 150 योग कक्षाएं चलती हैं। किसी भी कक्षा में आप ज्वाइन कर लीजिए और आप सीख लीजिए, बहुत फायदा आपको होने वाला है। ये लाखों रुपए जो डॉक्टर के चक्कर में आप खराब कर रहे हैं, ये सारा पैसा आपका बचेगा और वो पैसा आप चाहे वहां खर्च कर दीजिए। हमारा टारगेट है 7,00,000 करोड़ रुपए देश की बचत कराना। आपको मालूम है अर्थव्यवस्था में एक सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल, पैसे कमाना और पैसे बचाना दोनों बराबर। आप किसी अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करते हैं उत्पादन से, जरूरत है इसको बंद, आप किसी अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करते हैं उत्पादन करके, वो एक काम है, लेकिन उसी अर्थव्यवस्था में अगर आप बचत करते हैं, सेविंग्स करते हैं, वो उससे भी बड़ा काम। हमारे देश की सेविंग्स को 7,00,000 करोड़ रुपए अगर हम बढ़ा सके तो भारत तो सोने की चिड़िया हो सकता है सारी दुनिया। एक वर्ष में 7,00,000 करोड़, दो वर्ष में 14,00,000 करोड़, तीन वर्ष में 21,00,000 करोड़, पांच वर्ष में जो धन इकट्ठा होगा 35,00,000 करोड़, वो इतना धन है कि उससे सोना खरीदे तो भारत के एक एक गांव का सड़क सोने से बनाया जा सके। इतना धन हम बचा सकते हैं देश। और एक ही वर्ष का 7,00,000 करोड़ रुपए बचा लेना तो गोवा राज्य का एक एक गांव का सड़क पर 10 मिलीमीटर मोटा सोने का पत्रा बिछा सकते। एक वर्ष में इतना पैसा बचा।
तो क्यों ना बचाएं हमारा पैसा और क्यों ना लोगों को मदद करें, इसलिए हम ये योग प्राणायाम का अभियान चला रहे हैं। और भारत में परंपरा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् भागवे, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, किसी को कोई दुख ना हो, किसी को कोई रोग और बीमारी ना हो, ये हमारी महान परंपरा को हम फिर से स्थापित करने का काम कर रहे हैं। भारत स्वाभिमान इसी के लिए। आपसे मुझे एक छोटी बात और करनी है कि आप योग प्राणायाम सीखें, बीमारी खत्म हो जाएगी। एक छोटा सा आयुर्वेद का कुछ नॉलेज ले लें, आपके आपके लाइफ में बहुत काम आए। आयुर्वेद सारी दुनिया में एक ऐसा पद्धति है जो ये कहती है कि बीमार नहीं होना, हमेशा स्वस्थ रहना, बीमार नहीं पड़ना। दुनिया की जो दूसरी चिकित्सा पद्धति है वो ये कहती है पहले बीमार होना, फिर हमारे पास आना, हम तुम्हारा ट्रीटमेंट करेंगे। आयुर्वेद कहता बीमार ही नहीं होना, स्वस्थ रहना, निरोगी रहना। तो आयुर्वेद के कुछ प्रिंसिपल्स हैं बीमार नहीं होने के लिए, निरोगी रहने के लिए। उनमें से तीन बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तीन प्रिंसिपल्स नहीं सॉरी चार, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे प्रिंसिपल है। आप इनको फॉलो करेंगे, लाइफ में कभी डिसीज नहीं आएगा। योग प्राणायाम तो है, उसके साथ आयुर्वेद बोनस में। और ये प्रिंसिपल्स जो है आयुर्वेद के, ये मेरे बनाए हुए नहीं है, एक महान बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य ने बनाए प्रिंसिपल हैं, उनका नाम है महर्षि भागवत। आपने आयुर्वेद में एक महान ऋषि का नाम सुना होगा महर्षि चार, एक नाम सुना होगा महर्षि शुश्रुत, उन्हीं के समानांतर एक व्यक्ति थे महर्षि भागवत। उन्होंने आयुर्वेद का सबसे बढ़िया सबसे सुंदर ग्रंथ लिखा, उसका नाम है अष्टांग निर्दयम, और एक दूसरा ग्रंथ है अष्टांग संग्रहम। ये दोनों ग्रंथ मराठी में मिलते हैं, कभी मौका मिले तो खरीद लीजिए, पढ़िए, बहुत काम के ग्रंथ है। अष्टांग निर्दयम और अष्टांग संग्रहम में 7000 सूत्र हैं निरोगी होने का, रोग मुक्त होने का। वो 7000 सूत्रों को मैंने पढ़ा, बाद में मुझे लगा कि किसी भी व्यक्ति को 7000 सूत्र याद रखना बहुत मुश्किल है, इसको कम करना चाहिए। तो मैंने 7000 सूत्रों को सेलेक्ट किया, 1000 किया, फिर मुझे लगा वो भी ज्यादा है, फिर 500 सेलेक्ट किया, फिर 50 किया, फिर 20 किया, उसमें से 4 बता। सबसे महत्व के सूत्र हैं आयुर्वेद चिकित्सा के, बीमार नहीं पड़ना, जीवन भर निरोगी रहना, इसके लिए वो सूत्र है। क्या सूत्र है? आयुर्वेद चिकित्सा में ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति बीमार कब होता है, जब उसका वात पित्त और कफ असंतुलित होता है। वात पित्त और कफ, ये तीनों अगर बिगड़ गया तो बीमारी आती है। वात अगर बिगड़ता है तो 80 से ज्यादा बीमारियां आती है, 80 रोग आते हैं वात के बिगड़ने से। क्या रोग आते हैं? घुटने दुखना, कमर दुखना, कंधा दुखना, जॉइंट्स में पेन होना, हार्ट अटैक आना, कार्डियक अरेस्ट होना, ब्रेन हेमरेज होना, पैरालिसिस होना, ये सब वात के बिगड़ने के रोग हैं, 80 रोग आते हैं। आयुर्वेद शास्त्र कहते हैं कि पित्त अगर बिगड़ता है किसी व्यक्ति का तो उसको 40 रोग आते हैं। एसिडिटी होना, हाइपर एसिडिटी होना, अल्सर होना, पेप्टिक अल्सर होना, बाद में कैंसर भी हो सकता है, ये पित्त के बिगड़ने के रोग है। और आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में कहा गया कि कफ जब बिगड़ता है तो 20 रोग आते हैं, सर्दी होना, खांसी होना, जुकाम होना, सिर दर्द होना, गले में दर्द होना, टॉन्सिलाइटिस होना, ऐसे आपको 20 रोग आते हैं। कफ के बिगड़ने का सबसे खतरनाक रोग है मोटापा बढ़ना, लठपना, वजन ज्यादा होना, ओबेसिटी, ये कफ के बिगड़ने का रोग है। तो कफ पित्त और वात तीनों को ना बिगड़ने दें, जीवन भर हम सुखी रह सकते हैं, रोग मुक्त रह सकते हैं। आप बोलेंगे क्या करना चाहिए? वात पित्त कफ को सुंदर रखना, सुंदर के साथ व्यवस्थित रखना, बैलेंस रखना,
इसके लिए छोटे छोटे कुछ काम करिए। एक काम, पहला काम क्या करें, खाना खाने के बाद पानी मत पीजिए, ये पहला नियम है। भोजनांते विषम वारी, भोजनांते माने भोजन अंते, भोजन के अंत में, विषम माने विष के जैसा, वायु माने पानी। भोजन के अंत में अगर आप पानी पी रहे हैं तो आप जहर पी रहे हैं, ये आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र कहता है। भोजन के अंत में पानी मत पीजिए। क्यों नहीं पीना, कारण उसका, कारण उसका यह है कि जब आप भोजन करते हैं तो सारा भोजन हमारे पेट में इकट्ठा होता है, स्टमक में, पेट में एक स्थान होता है, उसको कहते हैं जठर, संस्कृत शब्द है जठर, मराठी में भी है जठर। जठर नाम का एक स्थान होता है ऐसा छोटा सा, वो सारा भोजन जठर में आता है। फिर जठर में अग्नि प्रदीप्त होती है, अग्नि, उसको कहते हैं जठर अग्नि, जठर अग्नि। तो आपने खाना खाया, सारा खाना जठर में आया, उसमें अग्नि प्रदीप्त हुई, वो अग्नि भोजन को पचाती है। तो जैसे ही आप खाना खाते हैं जठर में अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। अब अग्नि भोजन को जब पचाती है, डाइजेस्ट कराती है, उसी समय आप गटागट पानी पी लेते हैं और खूब ठंडा पानी, चिल्ड वाटर पी लेते हैं। परिणाम होता है अग्नि शांत हो जाती है। अग्नि अगर शांत हो जाएगी तो भोजन पचेगा नहीं, फिर भोजन सड़ेगा और सड़ा हुआ भोजन विष उत्पन्न करेगा और उस विष में से 103 रोग पैदा होंगे और जिंदगी भर आप दुखी रहेंगे। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया भोजन के अंत में पानी नहीं पीना। आप बोलेंगे फिर पानी कब पीना, 1.5 घंटे बाद पीना। 10 बजे खाना खाया, भोजन किया, 11:30 पे पानी पीना, 11 बजे किया तो 12:30 पे। क्यों, ये जो अग्नि बनती है जठर में ये 1 घंटे 30 मिनट रहती है, फिर उसके बाद शांत हो जाती है। तो जब अग्नि शांत हो उस समय पानी पीना अच्छा होता है। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, भोजन के पूर्व पानी पिए क्या, पहले पिए? तो आयुर्वेद में कहा गया 48 मिनट पहले पानी पी सकते हैं। 10 बजे भोजन करना है, 9:12 पे पानी पी सकते हैं, कितना भी पी सकते हैं। बाद में पीना है तो 1.5 घंटे में, ठीक है। अब आपके मन में और एक प्रश्न आ सकता है, भोजन के मध्य में पानी पी सकते हैं क्या? मध्य में पानी तब पी सकते हैं जब कोई एक्सीडेंट हो। एक्सीडेंट से मतलब भोजन करते करते आपको खांसी आ गई, खोखला, अभी भोजन गले में फंस गया तो पानी पीना थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। भोजन करते समय छींक आ गया, अभी भोजन आपका फंस गया, थोड़ा पानी पीना, जास्ते नहीं, थोड़ा, एक घूंट दो घूंट बस। भोजन के अंत में 1.5 घंटे पर पानी पिए, भोजन के पूर्व में 48 मिनट पे पानी पिए, भोजन के मध्य में थोड़ा पानी पी सकते हैं जब कोई जरूरत पड़े, और आखिरी बात कि भोजन के अंत में कुछ और पीना, पानी नहीं। आयुर्वेद में कहा गया भोजन के अंत में पीना हो तो ताक पीना, ताक मज्जिके, तक्रम ताक मज्जिके, छाछ लस्सी ये पीना। और दूसरी कोई चीज पी सकते हैं भोजन के अंत में तो जूस पीना, जूस, कोकम का जूस पी सकते हैं, बहुत अच्छा गोवा में मिलता है, मौसमी का जूस पी सकते हैं, संतरे का जूस पी सकते हैं, आम का जूस पी सकते हैं, द्राक्ष का जूस पी सकते हैं, टमाटर का जूस पी सकते हैं, गाजर का जूस पी सकते हैं, पालक का जूस पी सकते हैं, कोई भी जूस पीना। और भोजन के अंत में दूध पी सकते हैं, दूध, मिल्क। लेकिन इसका एक नियम बनाया आयुर्वेद ने कि रात्रि को भोजन करें डिनर तो हमेशा उसके बाद दूध पीना, दोपहर को भोजन करें अर्थात लंच तो हमेशा मज्जिके ताक छाछ आदि आदि पीना, और सुबह जब भोजन करें ब्रेकफास्ट तो हमेशा जूस पीना। सुबह भोजन के बाद जूस, दोपहर भोजन के बाद मज्जिके और ताक, रात्रि भोजन के बाद दूध। जो व्यक्ति ये 3 बातों को फॉलो कर सकता है
जिंदगी भर निरोगी रहेगा, रोग ही नहीं आएगा। कितनी अच्छी बात है, आप सोचो। थोड़ा सा हमको ज्ञान मिला तो हम लाइफ लॉन्ग डिसीज फ्री रह सकते, कितनी अच्छी बात है। मैं इस नियम का पालन पिछले 20 साल से करता हूं और अभी तक मैं बीमार नहीं पड़ा, कभी किसी डॉक्टर के क्लिनिक में एडमिट नहीं हुआ, बल्कि जो एडमिट होते हैं ना उनको भगा भगा के लाता हूं, चलो अपने घर, ये डॉक्टर का क्लिनिक रहने के लिए थोड़ी। और अपने परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी है ना, वो तो अपने विद्यार्थी जीवन से ये नियम फॉलो करते हैं। स्वामी जी गुरुकुल में अभ्यास किया है, आपको माइके तो वो गुरुकुल जीवन से ये नियम पालन करते हैं और अभी तक बीमार नहीं है। हमारे बहुत सारे पत्रकार मित्र हैं दिल्ली में, वो मुझे बार बार फोन करते हैं, वो कहते हैं राजीव भाई एक न्यूज हमको चाहिए। मैं पूछता हूँ कौन सा न्यूज चाहिए, वो कहते हैं बाबा कब बीमार पड़ा ये न्यूज चाहिए। मैं पूछता हूँ इस न्यूज का क्या करने वाले हो, वो कहते हैं हम फ्रंट पेज पे छापने वाले हैं, बॉक्स लगा। ये पत्रकारों का न्यूज ऐसा ही होता है, बाबा कब बीमार पड़ा। मैं बोला ये न्यूज आपको कभी नहीं मिलने वाला, हाँ जीवन भर इंतजार करो, क्योंकि बाबा बीमार पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो आयुर्वेद के नियम का पालन करो। आप भी करो, क्या प्रॉब्लम है, नियम तो सिंपल है ना, खाने के बाद पानी नहीं पीना, बस डेढ़ घंटे के बाद पीना, पहले पीना है तो 48 मिनट पे, और खाने के तुरंत बाद पीना है तो ब्रेकफास्ट में जूस, लंच में मज्जे ताक आदि आदि, डिनर में दूध। अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं मुझे, वो ये कि मज्जे में तो पानी है, ताक में तो पानी है, दूध में भी पानी है, और जूस तो पानी ही पानी है, तो आयुर्वेद जूस पीने को बोलता है और पानी पीने को मना करता है, ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है ना, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इसको समझना चाहिए। ये जो पानी होता है ना पानी, इसके अपने गुण होते हैं, पानी के गुण है, पानी रंगहीन है, पानी गंधहीन है, पानी स्वादहीन है, पानी शीतल है, पानी शामक है। अगर आप थोड़ा केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़े होंगे तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पानी की है, लेकिन पानी के सारे गुण तभी तक पानी में होते हैं जब तक पानी अकेला होता है। जब पानी किसी वस्तु में मिला दिया जाता है तो पानी के सारे गुण खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। पानी को आपने दही में मिलाया, ताक बन गया, अब इसमें पानी के गुण समाप्त हो गए, दही वाले गुण आ गए सारे। पानी को आपने दूध में मिलाया तो अब पानी के गुण समाप्त हो गए, दूध वाले गुण उसमें आ गए। पानी को आपने जूस में मिलाया तो पानी के गुण समाप्त हो गए, अब उसमें फल के सारे गुण आ गए, इसलिए जूस पी सकते हैं, लस्सी मज्जे तक्रम आदि आदि पी सकते हैं, ताक पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, पानी डेढ़ घंटे बाद पी। क्लियर हुआ, ये एक नियम आयुर्वेद का पालन कर सकते हैं, करेंगे ना, योग प्राणायाम तो करना हो तो बोनस है, इसको भी आप फॉलो करें। अब दूसरा नियम है वो ये आयुर्वेद का कि पानी जब पीना हो तो सिप सिप करके पीना, जैसे गर्म चाय पीते हैं, कैसे पीते हैं, एक सिप, दो सिप, तीन सिप, ऐसे पानी पीना, थोड़ा थोड़ा पानी पीना, घूंट घूंट पानी पीना, एक साथ बेटावेट पानी नहीं पीना। आप पूछेंगे क्यों, हमारे मुंह में लार बनती है, लार अंग्रेजी में जिसको हम स्लाइवा कहते हैं, सलाइवा कहते हैं, हिंदी में लार कहते हैं, शायद मराठी में भी लार कहते हैं, लार ही कहते हैं, मुंह में लार बनती है और ये 24 आवर्स बनती है, 24 तास इसका प्रोडक्शन बंद नहीं होता, अद्भुत फैक्ट्री है, ये चलती ही रहती है, चलती रहती है। ये जो लार बनती है मुंह में, ये लार को जब हमने केमिकली टेस्ट किया तो ये एल्कलाइन होती है, क्षारीय होती है, और हमारा जो कोड है ना पेट, इसमें अम्ल बनता है, एसिड, तो पेट में एसिड है, मुंह में लार है, मनु क्षार है, अम्ल और क्षार दोनों मिले तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर लेते हैं। तो आयुर्वेद में कहा गया मुंह का लार बार बार पेट में जाएगा तो पेट के अम्ल को शांत कर देगा, इसलिए पानी घूंट घूंट पीना।
सिप सिप करके पानी। अभी मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूं, मनुष्य को छोड़कर इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी आयुर्वेद का पालन करते हैं। किसी पशु को देखो, गाय को देखो, मशीन को देखो, वो खाना खाते समय कभी भी पानी नहीं पीते। गाय खाना खाती है, खूब पेट भर के खाना खाती है, खाना खाने के बाद बैठ जाती है, फिर मुंह चलाती है, जुगाली करती है और दो तास निरंतर पानी पीती है। पक्षी को देखो, पक्षी सुबह सुबह दाना चुगते हैं, फिर उड़ जाते हैं, दो तीन घंटे बाद वापस आके फिर पानी पीते हैं। और सभी पशु पक्षियों को देखो, पानी सिप सिप करके पीते हैं। पक्षी को देखेंगे पानी पीते हुए, एक ड्रॉप पानी का उठाता है, फिर ऐसे ऐसे मुंह चलाता है, फिर पीता है, फिर दूसरा ड्रॉप, फिर ऐसे ऐसे, फिर तीसरा ड्रॉप, एक एक ड्रॉप पानी पीते हैं सभी पक्षी। कुत्ते को देखो, चाट चाट के पानी पीता है, शेर को देखो, चाट के पानी पीता है। सभी पशु पक्षी आयुर्वेद का पालन करते हैं। किसी भी पक्षी को मैंने ओवर वेट नहीं देखा। कोई पक्षी ओवर वेट, और किसी पक्षी का पेट बाहर नहीं आता, तुम बाहर नहीं आते किसी, क्यों? आयुर्वेद के पक्के पालन करने वाले हैं वो लोग। आप भी करो, आप भी डिसीज फ्री हो जाओ। ये दो नियम है। तीसरा नियम आयुर्वेद का है वो ये कि सुबह सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले पानी पीना, ब्रश नहीं करना, पहले पानी पीना, ब्रश रात को करके सोना, पहले रात को ब्रश करके सो जाना, सुबह उठते ही ब्रश नहीं करना, मुंह में उंगली नहीं डालना, पानी पीना, क्योंकि रात को जो स्लाइवा मुंह में जमा हुआ है लार, ये अंदर जाना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह का मुंह का जो लार है ना, ये सबसे ज्यादा कीमती होता है। आपको माहिती है अमेरिका में मुंह के लार को बेचा जाता है। अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनी है, वो बिजनेस करती है मुंह के लार का। और हमारे देश में जैसे शैंपू का सैशे मिलता है ना, अमेरिका में लार का सैशे मिलता है, 5 मिलीग्राम 10,000 रुपए का। मैंने उस कंपनी को कॉन्टेक्ट किया था, पूछा था कि ये कहां से आप प्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने कहा इसका कोई मशीन नहीं है हमारे पास, हम अमेरिकन लोगों को अपनी फैक्ट्री में बुलाते हैं और एक बहुत बड़ा पात्र रखते हैं, कहते हैं इसमें थूको, थूको, तो वो आके थूकते हैं, हम उसको शैशे में पैक करके बेचते हैं, और एक 5 मिलीग्राम का शैशे 10,000 रुपए का मिलता है। मैं पूछा कौन खरीदता है आपका ये शैशे, तब उन्होंने सीरियसली बताया कि कुछ ऐसे पेशेंट हैं दुनिया में जिनको लार बनना बंद हो जाती है। आपको कहेंगे जब कैंसर होता है ना, कैंसर, कैंसर का जब फोर्थ स्टेज शुरू होता है तो मुंह में लार बनना बंद हो जाती है। तो कैंसर पेशेंट कुछ खा नहीं सकता, कुछ भी खिलाओगे उसको वॉमिट हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा, क्योंकि लार नहीं है। तो कैंसर पेशेंट ये शैशे खरीदते हैं लार का और मुंह में डालते हैं, और वो एक शैशे 10,000 रुपए का आता है, कितना कॉस्टली है। और ये लार आप फोकट में थूकते रहते हैं अपने देश में, कितना नुकसान कर रहे हैं आप। ये लार थूकने को नहीं है, ये खाने के लिए, इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना। आपको फिर एक ऑब्जर्वेशन बताता हूं, मनुष्य को छोड़कर कोई पशु पक्षी थूकता नहीं, देख लो आप, ये मनुष्य है जो थू 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 अपने आप नुकसान देता है, सारा कचरा कर देता है, सड़क खराब कर देता है, दीवार गंदी कर देता है। अकल नहीं है इस मनुष्य को। आज के बाद कभी किसी को गाली नहीं देना, तू जानवर है, गाली देना तू मनुष्य है, अकल नहीं है। जानवरों में तो आपसे ज्यादा अकल है, वो थूकते नहीं है, आप थू थू मचाते हैं, बहुत नुकसान करते हैं आप अपना, इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, थूक दिया आपने 10,000 रुपए चला गया, थूकना नहीं इसको, इसको पीना,
कैसे पियेंगे उससे ही पानी पियो। अब इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा ये है, सुबह उठते ही जब आप पानी पियेंगे सारी लार अंदर चली जाएगी। वो पानी सुबह का पता है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, क्योंकि पेट खाली रहता है ना सुबह, तो सीधे पानी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। पानी लार्ज इंटेस्टाइन को साफ करता है, और आपको मालूम है लार्ज इंटेस्टाइन में मल रहता है, एक्सक्रीटा। तो मल की सफाई जब ये पानी करता है तो आपको प्रेशर आता है, और आप टॉयलेट में जाते हैं दो तीन मिनट में फ्रेश होकर बाहर आ जाते हैं। आयुर्वेद ये कहता है कि जिनको सुबह दो तीन मिनट में सब फ्रेश होता है, माने पेट साफ होता है, संडास आती है दो तीन मिनट में, उनको लाइफ में कोई रोग नहीं आता। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना। ये तीसरा नियम, कितना पानी पीना, कम से कम तीन गिलास। प्यास नहीं लगती तो पहले एक गिलास पीना, दूसरे दिन डेढ़ गिलास पीना, फिर दो करना, फिर धीरे धीरे तीन करना। छोटे बच्चों को एक गिलास, बड़े लोगों को तीन गिलास। और चौथा आयुर्वेद का नियम है, कितना भी गर्मी पड़े, कितना भी पसीना निकले, ठंडा पानी नहीं पीना, चिल्ड वाटर कभी नहीं पीना। ठंडा पानी का डेफिनेशन क्या है? हमारे आयुर्वेद में ठंडे पानी का डेफिनेशन है जो पानी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है वो पानी ठंडा, अर्थात रेफ्रिजरेटर का पानी नहीं पीना, फ्रिज का पानी नहीं पीना, बर्फ डालकर आइस मिक्स करके कभी भी पानी नहीं पीना, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास है और बर्फ डाला हुआ पानी 4-5 डिग्री का होता है, कभी नहीं पीना, गलती से भी नहीं। तो कौन सा पानी पीना? मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं, या नॉर्मल पानी पी सकते हैं, सादा पानी पी सकते हैं, ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? कारण बताता हूं। जब आप बहुत ठंडा पानी पीते हैं ना, पेट तो गर्म है, पानी तो ठंडा है, अब ठंडा पानी आपने गर्म पेट में डाल दिया तो झगड़ा शुरू होता है ठंडे पानी में और गर्म पेट में। उस झगड़े में क्या होगा? या तो पानी पेट को ठंडा करेगा या पेट पानी को गर्म करेगा। मान लीजिए पानी ने पेट को ठंडा कर दिया, पेट के ठंडा होते ही हृदय ठंडा हो जाएगा, क्योंकि पेट और हृदय का कनेक्शन है। हृदय ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा हो जाएगा, मस्तिष्क ठंडा होते ही आप ठंडे हो जाएंगे, और आप ठंडे होते ही राम नाम सत्य हो जाएंगे। बहुत खतरनाक है ठंडा। और होता क्या है, जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो पोट जो है ना पानी को गर्म करता है। जब पानी को गर्म करेगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए पानी गर्म करने के लिए। वो एनर्जी कहां से आएगी? रक्त में से आएगी, खून में से आएगी। तो सारे शरीर का खून पेट में आता है पानी को गर्म करने के लिए। और आपने दिन में 10 बार ठंडा पानी पिया, सारे शरीर का रक्त 10 बार पेट में आएगा, शरीर के दूसरे अंगों को रक्त की कमी आ जाएगी, आप बहुत खतरनाक स्थिति में आ सकते हैं। ब्रेन को अगर 3 मिनट रक्त ना मिले तो ब्रेन डेड हो जाता है। हार्ट को 1 मिनट रक्त की सप्लाई रुके तो हार्ट खत्म हो जाता है। इतना रिस्क मत लीजिए, ठंडा पानी मत लीजिए। और एक रिसर्च हुआ है सारी दुनिया में, वो रिसर्च बहुत इंटरेस्टिंग है। वो रिसर्च ये है कि जो लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं, चिल्ड वाटर, उनका जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना वो बंद हो जाता है। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना वो ओपन पाइप के जैसा होता है, ऐसा कोई जब बहुत ठंडा पानी पीते हैं चिल्ड वाटर, ये बंद हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन अगर बंद हुआ तो सुबह संडास साफ नहीं होगा, फिर कॉन्स्टिपेशन होगा, कोष्ठबद्धता, कब्जियत, और उसमें से 100 ऑफ डिसीज आएंगे। मत पीना। मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूं, अमेरिका और यूरोप के लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं, चिल्ड वाटर। आप देखेंगे अमेरिकन लोग क्या करते हैं, पानी को फ्रिज में रखते हैं, 5-6 दिन ठंडा होता है, फिर उसमें आइस क्यूब डालते हैं, फिर पीते हैं, इतना ठंडा पानी। तो अमेरिकन लोगों के लार्ज इंटेस्टाइन सभी के बंद ज्यादा है। तो सुबह जब वो टॉयलेट रूम में जाते हैं 1-1 घंटे बाहर नहीं आते,
और उनको मैं पूछता हूँ क्या करते हो तो अभी रखू में एक घंटा, वो कहते हैं हम न्यूज पेपर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हो न्यूज पेपर? वो कहते हैं संडास नहीं होती, टाइम पास करना पड़ता है, इसलिए न्यूज पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं। बहुत दिन बाद मेरे समझ में आया कि जो अमेरिकन टॉयलेट रूम्स होते हैं उसमें लाइब्रेरी क्यों होती है, क्योंकि उनको टाइम पास करना और बेचारे बहुत दुखी होते हैं क्योंकि टॉयलेट पॉट पे बैठ तो जाते हैं लेकिन संडास ही नहीं होता, फिर पूरी ताकत लगाते हैं, फिर बेचारे गाना गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी वो आती नहीं। और ज्यादा तकलीफ होती है ना तब दूसरा गाना गाते, एक बार आ जा एक अमेरिकन व्यक्ति को मैंने कभी पूछा था कि आपके टॉयलेट रूम में कमोड सीट क्यों बनाते, इंडियन स्टाइल का क्यों नहीं बनाते? तब उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया था, उसने कहा इंडियन स्टाइल के टॉयलेट पॉट पे 5 मिनट बैठ सकते हैं, मुझको 2 घंटे बैठना पड़ता है, इसलिए मैं उसको कमोड सीट कुर्सी की तरह से बना के आराम से बैठ जाता हूँ और नॉवेल्स पढ़ता रहता हूँ। ये है उनकी समस्या। और ये जो सीरियस प्रॉब्लम है ना अमेरिका में, वो यूरोप में कितनी सीरियस है कि जब आपको कोट साफ नहीं होगा ना, संडास साफ नहीं होगी तो आपके सांस में बदबू आने वाली है। अब सांस में बदबू आएगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो च्युइंग गम खाते हैं और एक केमिकल होता है लिस्ट्रीन, वो मुंह में स्प्रे करते रहते हैं क्योंकि सांस की बदबू को रोकना। फिर अगर सांस की बदबू रुकी तो पसीने में बदबू आती है, उसको कंट्रोल करने के लिए डिओडोरेंट स्प्रे करते हैं, लेकिन मूर्खों के मूर्ख को साफ नहीं करते। एक सिंपल काम है को साफ करें, वो ही नहीं होता हमसे, क्योंकि ठंडा पानी चिल्ड वाटर पीते रहते हैं। तो आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कभी नहीं पीना ये ठंडा पानी, नहीं तो आपको भी संडास घर में एक एक तास बैठना पड़ेगा और दुनिया का सारा रिसर्च वही करना पड़ेगा। फिर ये 4 नियम आयुर्वेद के हैं, फिर से दोहरा देता हूँ, खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पीना, पानी हमेशा सिप सिप करके पीना, सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना और ठंडा पानी नहीं पीना, नॉर्मल पानी पीना, मिट्टी के घड़े का नहीं तो ताजा पानी पीना, सर्दियों के दिन में पानी को गर्म करके पी सकते हैं, गुनगुना करके पी सकते हैं। जो लोग ये 4 नियम पालन करें, वात पित्त कफ उनका संतुलित रहेगा, लाइफ डिसीज फ्री रहेगी और सर्वे भवंतु सुखने का सिद्धांत सत्य सिद्ध हो जाए। 3 बातें और मुझे कहनी है आपसे जो आपके लाइफ स्टाइल से जुड़ी है। आयुर्वेद ये कहता है कि वात जिंदगी में कभी भी खराब नहीं होगा अगर आप ये 4 पानी का नियम फॉलो करें। और एक बात और ध्यान रखें, तेल शुद्ध खाएं, शुद्ध तेल खाएं। शुद्ध तेल का मतलब, शुद्ध तेल का मतलब जो तेल आप अपने आंखों के सामने निकलवाते हैं वो तेल शुद्ध है। जैसे आप शेंगदाना का तेल खाते हैं, शेंगदाना लेके जाए तेल अपनी आंखों के सामने निकलवाते लाए, आप नारियल का तेल खाते हैं, नारियल लेके जाए और तेल निकलवा के अपनी आंखों के सामने लाए, ये तेल शुद्ध है। फिर आप बोलेंगे बाजार में जो तेल आता है, डब्बाबंद तेल आता है, वो शुद्ध नहीं है क्योंकि बाजार के सभी तेल में मिलावट है। शुद्ध तेल कोई बाजार में नहीं मिलता। आपको मालूम है बाजार में जितना तेल आप खरीदते हैं उसमें एक तेल मिलाते हैं पामोलिन ऑयल, और ये पामोलिन ऑयल सबसे खतरनाक तेल है पूरी दुनिया में, क्योंकि ये खाया नहीं जाता, क्योंकि इसको बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। पामोलिन ऑयल को डाइजेस्ट होने के लिए बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और हमारे बॉडी का अंदर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए पामोलिन ऑयल कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता। तो वो ऑयल फैट के रूप में जमा होता है और वो फैट बढ़ा के आपको हार्ट अटैक तक ले जाता है, इसलिए बाजार का तेल मत खाए। फिर कौन सा तेल खाए? तेल खुद निकलवाइए अपनी आंखों के सामने, वो तेल उसमें मिलावट नहीं है क्योंकि आपने खुद निकलवाया। फिर आप बोलेंगे
हम जो तेल खाएंगे वो बहुत घट है, गाढ़ा है, बिल्कुल चिंता मत करिए। तेल में ये जो चिकनाई होती है, गाढ़ापन होता है, इसी में सारा प्रोटीन है। तेल का जो प्रोटीन है ना, वो उसकी चिकनाई में है, घट्टपन में है, गाढ़ेपन में है। तेल में से अगर चिकनाई निकाल दिया तो प्रोटीन निकल गया, प्रोटीन निकल गया तो वो तेल तो पानी से भी ज्यादा खराब, मत खाइए। हमारे बाजार में एक तेल आता है जिसको रिफाइंड तेल कहते हैं, और एक डबल रिफाइंड, उसमें सारा चिकनाई निकाल लेते हैं, वो तेल बिल्कुल थर्ड क्लास है, सबसे बकवास है, मत खाइए। तब बोलेंगे डॉक्टर को उल्टा बताता है, डॉक्टर को उल्टा इसलिए बताता है उसको तेल के बारे में माहिती ही नहीं। ये जो MBBS वाले डॉक्टर है ना, इनको तो कुछ माहिती नहीं होती, ये पढ़ते ही नहीं अपनी पढ़ाई में, ना ये तेल के बारे में पढ़ते हैं, ना भोजन के बारे में पढ़ते हैं। तेल में जो चिकनाई है, वो चिकनाई शरीर को बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये चलेगा नहीं शरीर आपका, ये घुटने जाम हो जाएंगे, सारे फिंगर ज्वाइंट्स जाम हो जाएंगे। चिकनाई तो चाहिए, अच्छी वाली चाहिए। चिकनाई दो तरह की होती है, फैट दो तरह के होते हैं, एक हाई डेंसिटी और एक लो डेंसिटी। जो लो डेंसिटी वाले हैं वो खतरनाक है, हाई डेंसिटी वाले तो अच्छे हैं। और सभी तेल में हाई डेंसिटी वाले फैट हैं, शुद्ध तेल, इसलिए वो खाइए, चिंता मत करिए, कोई अटैक नहीं आने वाला आपको। ये डबल रिफाइंड ट्रिपल रिफाइंड तेल लाना बंद कर दीजिए। फिर आप बोलेंगे शुद्ध तेल मिलने के लिए क्या करना, मशीन एक लगा लो, 50,000 रुपए का मशीन आता है तेल निकालने वाला, वो नारियल का भी तेल निकालता है, शेंगा का भी तेल निकालता है, तिल का भी तेल निकालता है, सरसों का भी निकालता है, एक ही मशीन में सब तेल निकालता है। एक लगाओ फोन डाउन है, सबके काम आएगा। और वो मशीन 10 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा स्पेस में लग जाता है आराम से। मशीन कहाँ मिलता है, अपने भारत स्वाभिमान के गुजरात के बहुत सारे कार्यकर्ता वो मशीन बनाते हैं राजकोट में। जब आप बोलोगे वो वहां से भेज देंगे, यहाँ एक मशीन लगा लो, बहुत पुण्य का काम है, शुद्ध तेल लोगों को देना। तेल जिस दिन शुद्ध हो जाएगा, वात के सभी रोग आपके जीवन से खत्म हो जाएंगे। तेल शुद्ध खाइए, ये पहला काम। दूसरा, घी शुद्ध खाइए। घी शुद्ध मतलब गाय के दूध का दही बना के, दही में से ताक बना के, ताक में से मक्खन निकाल के, मक्खन को गर्म करके जो तूप बनता है वो शुद्ध तूप खाइए। मशीन का मत करें, मशीन का तूप आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। आयुर्वेद में कहा गया मशीन का तूप सिर्फ उन्हें खाना चाहिए जो कुश्ती लड़ते हैं, पहलवानी करते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, उनको मशीन का तूप खाना चाहिए, बाकी सभी को गाय का तूप खाना चाहिए। शुद्ध गाय का तूप खाइए, लाइफ में कभी भी पित्त की कोई बीमारी नहीं होगी। और तीसरा नियम है आयुर्वेद का कि शक्कर खाना बंद कर दीजिए, गुड़ खाइए। गुड़ के साथ और एक अच्छी चीज है, काकवी खाइए। गुड़ और काकवी जितना खाएंगे और शक्कर जितना बंद करेंगे, कफ की बीमारी कभी भी नहीं होगी। मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, आप चाहें तो आज ही फॉलो करिए उसको। आप में से किसी का भी वेट जाता है, ओवर वेट है, और आप चाहते हैं कि वेट कम करना है, और वेट कम करने के लिए आप शिकायत कर रहे हैं कि योग भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, वेट कम नहीं हो रहा है, वेट कम नहीं हो रहा। बहुत लोग मुझे शिकायत करते हैं कि हम प्राणायाम करते हैं फिर भी वेट कम नहीं हो रहा। आप सिर्फ इतना करिए, शुगर छोड़ दीजिए, शुगर की कोई चीज मत खाइए, देखिए कितना जल्दी आपका वेट कम होना शुरू होता है। 3 महीने में 15-20 किलो तक वेट कम हो जाएगा, शुगर की सब चीजें बंद कर, क्योंकि ये शुगर है जो कफ को विकृत करता है, और कफ की विकृति से वजन बढ़ता है। और शुगर आपको मालूम है चीनी, इसमें कोई प्रोटीन नहीं है, शुगर में कोई विटामिन नहीं है, ना तो कोई प्रोटीन है, ना तो कोई विटामिन है, है क्या उसमें, सिर्फ स्वाद है और कुछ नहीं। और स्वाद भी इतना खतरनाक है, उसमें सबसे खराब जहर है सल्फर, और शुगर बिना सल्फर के बनता नहीं, और ये सल्फर शरीर में आए तो खतरा ही खतरा। और वैसे भी शुगर 50 रुपए किलो हो गया, क्यों दिमाग खराब करके खाते, हटाइए ना नसरी से। गुड़ ले आइए, गुड़ गुड़ बहुत मिलता है, गोवा में भी मिलता है,
महाराष्ट्र में तो गुड़ ही गुड़ है। कोल्हापुर दुनिया का सबसे बड़ा गुड़ का प्रोडक्शन सेंटर है कोल्हापुर। सांगली, सतारा, इचलकरंजी, ये सब इलाके में गुड़ ही गुड़ है, मंगा लीजिए। और गुड़ जब लाए तो देख के लाइएगा, गुड़ ज्यादा सफेद ज्यादा पीला नहीं लेना, काला काला लेना, ज्यादा काला हो ज्यादा लाल हो वो गुड़ अच्छा होता है, वो शुद्ध है। ये ज्यादा सफेद गुड़ जो है ना निर्मा वॉशिंग पाउडर से बनता है, मत लेना कभी, गलती से भी मत, खराब है, बहुत खराब। तो चीनी हटाइए, गुड़ लाइए, कफ की बीमारी खत्म होगी। तूप गाय का खाइए, पित्त की बीमारी नहीं आएगी। और तेल शुद्ध खाइए, बात नहीं होगा। इतना आसान है डिसीज फ्री होना, निरोगी होना। हम चाहते हैं भारत का हर व्यक्ति रोग मुक्त हो, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, तो वो देश के लिए उपयोगी होगा। जो खुद के लिए काम करेगा, देश के लिए काम करेगा, तब जाकर देश का कुछ भला होगा। और एक आखिरी सजेशन है मेरा, बहुत सीरियस सजेशन है, आपके घर का मीट बदल दीजिए। जो मीट आप खाते हैं ना बाजार से लाके, आयोडीन युक्त, ये खतरनाक है, हटा दीजिए इसे। तो आप बोलेंगे कौन सा मीट खाएं, वो मीट खाइए जिसको सेंधव लवण कहते हैं, वो मीट खाइए जिसको काला नमक कहते हैं, ब्लैक सॉल्ट, वो मीट खाइए जो क्यूबिक फॉर्म में आता है, ऐसे डेले डेले जैसा होता है, ये पाउडर वाला मीट मत खाइए। क्योंकि ये जो आयोडीन युक्त मीट है ना, इसमें दो केमिकल मिलाते हैं, एक केमिकल का नाम है पोटेशियम आयोडेट और दूसरे केमिकल का नाम है एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये दोनों ही केमिकल पॉइजन है, जहर, मत खाइए। फिर आप बोलेंगे तो मीट में आयोडीन नहीं होगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में बिना आयोडीन का कोई मीट ही नहीं होता, सभी मीट में आयोडीन है। ये जो सेंधव मीट होता है इसमें भरपूर आयोडीन है, काला मीट है इसमें भरपूर आयोडीन है। और आप आयोडीन पता है कहाँ कहाँ से लेते हैं? हम रात में और सुबह हर दिन दाल खाते हैं, जो शाकाहारी लोग दाल खाते हैं, आधा कटोरी दाल कोई भी खाएगा उसको एक दिन की जरूरत का पूरा आयोडीन मिल जाए। दाल में सबसे ज्यादा आयोडीन, भाजी पाला जितना है सब में आयोडीन, तो आयोडीन की कोई कमी हमारे शरीर को नहीं है, इसलिए ये आयोडीन युक्त मीट खाने की जरूरत नहीं। और ये आयोडीन युक्त मीट महंगा भी बहुत है, 12 रुपए किलो। सादा मीट लाइए, वो बहुत सस्ता है। हमारे घरों में पहले वो मीट आता था ना क्यूबिक फॉर्म का, उसको धोकर सुखाकर हम इस्तेमाल करते थे, वही सबसे अच्छा है। अब आप मुझे पूछेंगे क्यों, मैं आपको संकेत में कहना चाहता हूँ, ये जो एल्यूमिनियम सिलिकेट नाम का केमिकल मीट में डाला जाता है, ये नपुंसकता पैदा करता है, ये सबसे खतरनाक केमिकल। और भारत में पिछले 20-25 वर्षों में नपुंसकता का प्रमाण बहुत तेजी से बढ़ा है, क्योंकि सबके घरों में ये आयोडीन युक्त मीट आ गया। इसका एक्सपेरिमेंट हमने जानवरों पे किया था, पशुओं पे किया था। गाय और मछली को आयोडीन युक्त मीट खिला दो, वो कभी भी गर्भ धारण नहीं करती। और जैसे ही उसका मीट चेंज करते हैं, उसको सेंधव मीट खिलाना शुरू करते हैं, वो गर्भ धारण कर लेते। हमारे देश में 40% गाय और भैंस इस आयोडीन मीट के कारण नपुंसक हो गई, बांझ हो गई है। और फिर परिणाम उसका क्या होता है, वो गर्भ धारण करती नहीं, शेतकरी वो कसाई को बेच देता है, कसाई कतल खाने में जाकर काट देता है। इसलिए गाय और मछली जास्ती कट रही है इस देश, क्योंकि वो गर्भ धारण नहीं करता था। और गर्भ धारण नहीं करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है एल्यूमिनियम सिलिकेट जो डाला जाता है आयोडीन युक्त मीट। और मैं आपको एक खराब बात कहना चाहता हूँ, दुनिया के किसी भी देश में आयोडीन युक्त मीट नहीं बिकता, भारत को छोड़कर। अमेरिका में नहीं, जर्मनी में नहीं, फ्रांस में नहीं, स्वीडन में नहीं, स्विट्जरलैंड में, अपने देश में नहीं, वो देश यहाँ बेचा जा रहा है। शायद कोई बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इस देश में, और वो बड़ा षड्यंत्र यही है कि सबको जबरदस्ती आयोडीन युक्त मीट खिलाया जाए, थोड़े दिन में भारत की लोक संख्या कम होना शुरू हो
और बड़े पैमाने पर विदेशी लोग आकर फिर लूट गए इस देश। ये जो आयोडीन युक्त मीट का सवाल है ना, इस पर हम भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं। पहले वो मुकदमा हमने लड़ा था मुंबई हाई कोर्ट में, वहां हम जीत गए, सरकार हार गई। अब वो मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, थोड़े दिन में उसका फैसला आने वाला है और हमें विश्वास है हम जीतेंगे, सरकार हारेगी, क्योंकि सरकार के पास कोई प्रमाण नहीं है कि भारत के किस व्यक्ति को आयोडीन की कमी है जिसको ये मीट खिला रहा। हम में से किसी को आयोडीन की कमी नहीं, हो भी नहीं सकती, क्योंकि हम डेली दाल खाते हैं। जो लोग रोज दाल खाते हैं उनको आयोडीन की कमी कभी नहीं हो सकती, जो रोज भाजी पाला खाते हैं उनको आयोडीन की कमी हो नहीं सकती, और जो दरिया के किनारे रहते हैं उनको तो कभी भी आयोडीन की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि समुद्र के पानी में सबसे ज्यादा आयोडीन। हमने सरकार को इस केस की लड़ने के क्रम में ये प्रश्न किया था कि भारत में कितने लक्ष लोग हैं जिनको आयोडीन की कमी है, सरकार अभी तक वो माहिती कोर्ट को नहीं दे पाई। कितने लाख लोग हैं, कितने कोटि लोग हैं जिनको आयोडीन की कमी, अभी तक माहिती कोर्ट में नहीं दिया सरकार ने, 6 साल हो गए। क्यों नहीं दिया? क्योंकि किसी को आयोडीन की कमी नहीं इस देश, माहिती कहां से देंगे। तो आप बोलेंगे ये साजिश क्या हो रही है? ये साजिश एक तो है कि भारत के लोगों का स्वास्थ्य खराब करना जबरदस्ती आयोडीन युक्त मीट खिलाके, दूसरा 25 पैसे किलो के मीट को 12 रुपए किलो बिकवाना, ये वो साजिश। मीट तो 25 पैसे किलो में बनता, आयोडीन युक्त करने के नाम पे 12 रुपए किलो बिकता, सब लोग तकलीफ में है उस मीट को खा। तो मेरी आपको विनम्र विनती है कि आप ये हटा दीजिए अपने घर से, सेदक मीट लाइए, काला मीट लाइए, वो खाइए, अपने घर को स्वस्थ रखिए, परिवार को स्वस्थ रखिए। और अगर आप जानवर पालते हैं गाय और मछली, तो ध्यान दीजिएगा गाय और मछली को हमेशा सेदक मीट ही खिलाइए, नहीं तो वो गर्भधारण नहीं करेगी। और दो तीन छोटी छोटी बातें मुझे करनी है। ये तो हमारा स्वास्थ्य के बारे में कि हम स्वस्थ रहें तो क्या क्या करें। अब एक बात मुझे ये कहनी है कि देश को भी स्वस्थ रखना, अपने देश को भी कई बीमारियां हो गई और उन बीमारियों को भी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारे देश की बीमारियों को ठीक नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आके बाहर वाला ठीक नहीं करेगा। अपने देश को कुछ बीमारियां हैं, उनमें से एक बीमारी है गरीबी। भारत में गरीबी कितनी है? भारत में 120 कोटि नागरिकों में 84 कोटि नागरिक इतने गरीब हैं जो एक दिन में 20 रुपए खर्च नहीं कर सकते। 50 कोटि नागरिक इतने गरीब हैं इस देश में जो एक दिन में 10 रुपए खर्च नहीं कर सकते। 25 कोटि नागरिक इतने गरीब हैं इस देश में जो एक दिन में 5 रुपए नहीं खर्च कर सकते। 15 कोटि नागरिक इतने गरीब हैं इस देश में जो एक दिन में 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते। और 10 कोटी नागरिक इतने गरीब हैं जो एक दिन में 50 पैसे खर्च नहीं कर सकते। इतनी गरीबी इस देश में, गरीबी कितनी भयंकर है इस देश में मैंने मेरे जीवन में देखा है। मैंने संपूर्ण भारत का 3 बार प्रवास किया है, 3 लाख किलोमीटर मैं यात्रा कर चुका हूँ। मैं एक बार उड़ीसा गया था और उड़ीसा में मैंने देखा गरीबी कितनी है। उड़ीसा में कालाहांडी नाम का एक जिला है, उस कालाहांडी जिले के एक गांव में मेरा व्याख्यान हुआ था, 10 वर्ष पहले की घटना। मैं जब व्याख्यान देने के लिए उस गांव में गया तो मेरा व्याख्यान सुनने के लिए 3 लोग आए थे। एक मैं था, अपना व्याख्यान सुनने खुद आया था, एक माइक लगाने वाला और एक दरी बिछाने वाला, 3 लोग आए। मैंने माइक वाले भाई को कहा कि व्याख्यान किसको देना, यहाँ तो कोई नहीं आया। तो उसने कहा मैं सामने बैठ जाता हूँ, मुझे बोलो, मुझे व्याख्यान दो। मैंने कहा बाकी लोग? तो उसने कहा बाकी लोग तो घर में बैठ के सुनेंगे, मैंने माइक ऐसा सेट किया है कि सबके घर में आवाज जा रही है। मैंने कहा फिर वो सामने आके क्यों नहीं सुनते जो घर में सुन सकते। तब उसने मायूस होकर कहा कि वो आपके सामने इसलिए नहीं आ सकते कि उनके शरीर पर कपड़े नहीं है। तब मुझे अंदाजा लगा कि इतनी गरीबी है इस देश। मैं उस गांव के सरपंच के घर में गया था गरीबी देखने के लिए।
तो सरपंच के घर में 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा एक झोपड़ा था टूटा हुआ, उसमें पानी टपकता था जगह जगह से। सरपंच को हमने बाहर बुलाया तो उसकी पत्नी बाहर आई थी, तो मैंने देखा कि वो आई के शरीर पर छोटा सा एक कापड़ था जिसको लपेटा था उसने नीचे, ऊपर तो कोई कापड़ नहीं था और वो नीचे वाला कापड़ भी पर्याप्त नहीं था, पूरा नहीं था। फिर मैंने उसको कहा आप अंदर जाओ अपने पति को बाहर भेजो, तो उसका पति बाहर आया। थोड़ी देर में तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, वो वही कापड़ लपेट कर बाहर आया था जिसको पत्नी लपेट के आई थी। और ऐसी गरीबी में भारत के 37 कोटी नागरिक रहते हैं जिनके शरीर पर दो कापड़ नहीं। और इस गरीबी के कारण पूरी दुनिया में भारत की बदनामी होती है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ का कहना है कि भारत की गरीबी के कारण दुनिया में औसत गरीबी बढ़ रही है, भारत की गरीबी के कारण। संयुक्त राष्ट्र महासंघ हर साल गरीब देशों की एक सूची बनाता है, उस सूची में 88 देश आते हैं, उनमें भारत का नंबर 70वां है, 70th, माने हमसे जास्ती गरीब सिर्फ 18 देश हैं दुनिया, बाकी सब हमसे अमीर है। और हमसे जास्ती गरीब देशों में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जो हमारा ही हिस्सा है। इस गरीबी के बारे में बहुत हम लोगों ने अभ्यास किया कि ये क्यों है हमारे देश में। कई बार हमारे देश के कई लोग आपस में बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं हम तो हजारों साल से गरीब हैं, भारत में तो हमेशा से गरीबी रही है। थोड़े दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह लंदन गए थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनका एक लेक्चर हुआ था, उसमें उन्होंने कहा भारत तो हजारों साल से गरीब है। हमारे देश में अभी थोड़े दिन पहले वित्त मंत्री थे, उनका नाम था पी चिदंबरम, अभी वो गृह मंत्री हो गए। पी चिदंबरम के साथ तो मेरा झगड़ा हुआ था। इंदौर नाम का एक शहर है मध्य प्रदेश में, वहां एक न्यूज़पेपर निकलता है, उसका नाम है नई दुनिया। नई दुनिया नाम के न्यूज़पेपर ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया और उसके विमोचन समारोह में मैं गया था और चिदंबरम भी आए थे। चिदंबरम ने वहां भाषण दिया और 40 मिनट ये कहा भारत हजारों साल से गरीब देश है, भारत हमेशा से गरीबी में डूबा हुआ देश है। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने चिदंबरम से एक सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं दिया उसने। मैंने कहा भारत अगर हजारों साल से गरीब देश है तो अंग्रेज इस देश में 250 साल झक मार रहे थे, अगर हजारों साल से गरीब देश है क्यों आए? गरीबों के यहां कोई जाता है क्या? और वो भी 250 साल के लिए। और भारत अगर हजारों साल से गरीब देश है तो पुर्तगाली गोवा में 450 साल झक मारते रहे, क्यों आए यहां भारत अगर गरीब देश है? अगर भारत हजारों साल से गरीब है तो फ्रांसीसी क्यों आए इस देश में? भारत अगर हजारों साल से गरीब है तो महमूद गजनवी क्यों आया सोमनाथ का मंदिर लूटने के? तैमूर लैन क्यों आया? अहमद शाह अब्दाली क्यों आया? नादिर शाह क्यों आया? गरीबों के घरों में कोई लूट का मान मिलता है क्या? हजार साल विदेशी लुटेरे इस देश में आए, अगर ये देश गरीब था तो क्यों आए? और कुछ लुटेरे तो आकर यहीं पर रह गए, 250 साल के लिए तो अंग्रेज रह गए, 450 साल पुर्तगाली रह गए, फिर ये बाबे आया, बाबर के बेटे और उसके बेटे के बेटे 300 साल वो रह गए। तो ये सब मूर्ख थे क्या जो गरीब देश में आके रहे? हम किसी गरीब के घर में जाके रहते हैं क्या? कभी कैसे कहते हैं कि भारत हजारों साल से गरीब था? और ये चिदंबरम और मनमोहन सिंह जैसे जो पॉलिटिशियन है ना, ये ऐसा दिमाग खराब कर रहे हैं पूरे देश का, गरीबी हजारों साल से, बेरोजगारी हजारों साल से इस देश में। तो इन लोगों को जवाब देने के लिए हमने कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए, उनमें से एक दस्तावेज है जो आपको कभी अभी सुनाता हूं, आस्था चैनल पे वो सब मैं दिखाने वाला हूं थोड़े दिन में। हमारे देश में एक अंग्रेज आया, उसका नाम था थॉमस वेब मैकॉले, 1834 में आया इस देश में। ये वही अधिकारी था जिसने शिक्षण लाया, अंग्रेजी शिक्षण।
आप जो वादा कहते हैं ना मैकॉले शिक्षण लाने वाला जो अधिकारी था उसका नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, पूरा नाम उसका ये था टीबी मैकॉले। ये 1834 में आया। तो ये भारत के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनकी काउंसिल का मेंबर बन गया। और उस जमाने में हमारे देश में जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसका नाम था विलियम बेंटिंक। तो विलियम बेंटिंक ने इसको कहा मैकॉले को कि तुम पहले भारत को देख कर आओ, घूमो भारत में, सब जगह घूमो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारे दिशाओं में घूमो और घूम कर पता करो, फिर मेरे साथ काम करो। उस समय गवर्नर जनरल जो था ना हाईएस्ट पोस्ट थी, जैसे हम आज किसी को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना, 1834 में वो ही पोस्ट गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो ऐसे समझ लीजिए कि भारत का प्रधानमंत्री विलियम बेंटिंक, उसकी काउंसिल का कैबिनेट मिनिस्टर थॉमस बेब मैकॉले। तो ये मैकॉले ने कहा ठीक है मैं भारत घूम के आता हूँ। तो 1.5 साल उसने भारत घूमने में लगाया, उत्तर गया, दक्षिण गया, पूर्व गया, पश्चिम गया, लौट के आया। उस समय जो राजधानी थी भारत की वो कोलकाता में थी, कलकत्ते। दिल्ली का राजधानी तो 1911 में बना, 1911 के पहले भारत का राजधानी कलकत्ता में था। तो जब वापस आया तो कोलकाता में एक मीटिंग हुआ, किसका, गवर्नर जनरल उस मीटिंग में प्रेसाइड कर रहा था और उसके कैबिनेट के सारे मेंबर्स बैठे हुए थे। और मीटिंग का टाइम और डेट 2 फरवरी 1835, 2 फरवरी 1835 को ये मीटिंग हुआ कलकत्ता। इस मीटिंग में मैकॉले ने भाषण दिया और उस भाषण में उसने कहा, आई हैव सीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया, बट आई हैव नेवर सीन ए बैगर एंड थीफ इन दिस कंट्री। वो कह रहा है कि मैंने पूरा भारत प्रवास किया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर जगह गया, लेकिन एक भी व्यक्ति मैंने भारत में भिखारी नहीं देखा, एक भी व्यक्ति मैंने भारत में चोर नहीं देखा। फिर वो भाषण में आगे कहता है कि भारत का कोई व्यक्ति भिखारी क्यों नहीं है, क्योंकि सभी के पास धन और संपत्ति भरपूर है, कोई गरीब नहीं इसलिए भिखारी नहीं, और किसी के पास कमी नहीं है पैसे की इसलिए चोर नहीं। फिर वो कहता है आगे अपने भाषण में, सच वेल्थ आई हैव सीन इन द हाउसेस ऑफ इंडियन, वो कहता है भारत के लोगों के घरों में मैंने इतना धन और इतनी संपत्ति देखी है, दैट आई एम मेस्मराइज्ड, मुझे आंखों में चमक पैदा हो गई। फिर वो अपने भाषण में कहता है कि भारत के लोगों के घरों में जब मैं गया तो हर एक घर में मैंने देखा सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता है जैसे गेहूं और चने का ढेर होता है। फिर वो कहता है कि मैंने भारत के किसी भी व्यक्ति को जब ये पूछा कि आपके घर में सोने के सिक्के कितने हैं, तो हर भारतवासी ने मुझे कहा कि हम सोने के सिक्कों को गिनते नहीं हैं, तौल कर रखते हैं, वेट में रखते हैं, काउंट नहीं करते। क्यों, काउंट कितना करेंगे, इतने ज्यादा है। जब वस्तुएं जरूरत से ज्यादा होती है तो काउंट नहीं की जाती। मैं आपके घर में आऊं और ये पूछूं चावल कितने हैं आपके घर में, तो आप लोग मूर्ख आदमी है, ये पूछो चावल कितना है घर में, 1 क्विंटल 2 क्विंटल 5 क्विंटल 100 क्विंटल, किलो में पूछो, क्विंटल में पूछो। तो मैं बोले कहता है कि भारत के लोग बोलते हैं कि किलो में पूछो कितना सोना है हमारे पास। और वो कहता है कि मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी कई देशों में की है, भारत आने से पहले मैं अफ्रीका गया, भारत आने से पहले कई दूसरे देशों में गया, इतनी समृद्धि मैंने किसी देश में नहीं देखी जो भारत में है। तो ये जो था ना विलियम बेंटिंक, वो ये कहता है कि तुमने ये जो सब भारत में देखा है यही बात जाके लंदन में बताना। उसके बाद उसका ट्रांसफर हो गया, मैकॉले वापस लंदन चला गया। लंदन के पार्लियामेंट में उसने यही स्टेटमेंट रिपीट किया, आई हैव सीन सच वेल्थ इन द कंट्री, मैंने भारत में इतना धन संपत्ति देखा। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के कई एमपीज ने ये सवाल किया कि भारत में इतना धन इतनी संपत्ति आया कहां से।
तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एमपी होता था, उसका नाम था विलियम विल्बरफोर्स। उसने कहा कि भारत पिछले 3000 सालों से दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है और इतना एक्सपोर्ट कर रहा है 3000 साल से कि सारी दुनिया का सोना भारत में इकट्ठा हो गया। जब ये एक्सपोर्ट की बात आई ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो कुछ एमपीज ने पूछा कितना एक्सपोर्ट है भारत का वर्ल्ड मार्केट में, तो उसके स्टैटिस्टिक्स ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिबेट पर आए और वो स्टैटिस्टिक्स हैं कि सारी दुनिया में जितना एक्सपोर्ट होता है उसका 33% एक्सपोर्ट अकेले भारत का होता है वर्ल्ड के टोटल एक्सपोर्ट का। माने $100 का अगर माल बिकता है दुनिया में तो $33 का माल भारत का है, इतना बड़ा एक्सपोर्ट है भारत का। फिर बात आई कि भारत में प्रोडक्शन कितना होता है, तो अंग्रेजों के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो आपस में बात करते हैं और वो कहते हैं कि भारत का वर्ल्ड के टोटल प्रोडक्शन का 43% प्रोडक्शन होता है भारत। फिर वो कहते हैं कि इनकम कितनी है भारत की, तो वो कहते हैं वर्ल्ड की जो टोटल इनकम है उसका 27% इनकम भारत की। और ये सारी बहस कब हो रही है ध्यान दीजिएगा, 1835 में बहस हो रही है, 1835 में, माने आज से 175 वर्ष पहले भारत दुनिया का सबसे श्रीमंत राष्ट्र था, सबसे समृद्धशाली देश था। अंग्रेज आपस में बात कर रहे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में और वो कहते हैं कि वर्ल्ड मार्केट में भारत का एक्सपोर्ट 33% है और वर्ल्ड मार्केट में इंग्लैंड का एक्सपोर्ट लेस देन 1% है उस समय 1835, और अमेरिकन एक्सपोर्ट तो कुछ नहीं था उस समय, ऐसा भारत था 1835 तक। तो फिर आप बोलेंगे गरीबी कैसे आ गई इस देश में। भारत के बारे में और एक जानकारी दूं, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये डिबेट हुआ और ये डिबेट के पेपर्स हम लोगों को पहली बार देखने और पढ़ने को मिले तो हमारी जिज्ञासा हुई कि हम एक्सपोर्ट क्या करते थे ये पता लगा, तो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए। दुनिया में सब कुछ मिलता है अगर आपने मन में काम करने की तमन्ना। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मिले इस बात के कि हम 3000 साल वर्ल्ड में कॉटन क्लोथ्स एक्सपोर्ट करते रहे, सूती कपड़ा 3000 साल हमने कपड़ा बेचा दुनिया, और हमारे जो कपड़ा होता था ना वो प्रीमियम प्राइस पे बिकता था। भारत का कपड़ा जब जाता था ना बिकने के लिए तो तौल से बिकता था, वेट में बिकता था। अभी कपड़ा बिकता है लेंथ में, पहले बिकता था वेट में। तो भारत का कपड़ा तराजू में रखा जाता था और उसके बराबर वजन का सोना दूसरी तरफ रखा जाता था, हम सोने के बदले में कपड़ा बेचते थे। और 3000 साल हमने कपड़ा बेचा, इतना सोना कमाया कि सारी दुनिया का सोना भारत में आया, इसलिए भारत सोने की चिड़िया बना। फिर हमने कपड़े के अलावा स्टील बेचा, लोहा बेचा, 3000 साल लोहा बेचा। आपको सुनकर बड़ा गर्व होगा, सारी दुनिया को कपड़ा बनाना और कपड़ा पहनना भारत ने सिखाया पूरी दुनिया। स्टील बनाना सबसे पहले दुनिया में भारत ने सिखाया, ईंट बनाना ब्रिक्स सारी दुनिया को हमने सिखाया, ईंट से ईंट को जोड़ने के लिए जो चूना लगता है वो सारी दुनिया में सबसे पहले हमने बनाया, ये सारा कंट्रीब्यूट किया है भारत ने दुनिया को। और हम ऐसी 200 से ज्यादा वस्तुएं दुनिया के बाजार में बेचते थे, उसके बदले में हमको सोना मिलता था और वो सोना उस समय एक्सचेंज का सबसे बड़ा मीडियम था, करेंसी चलती नहीं थी, सोने से सब कुछ एक्सचेंज होता था। तो सारे देश का सोना दुनिया का हमारे यहाँ आ गया, इसलिए भारत सोने की चिड़िया हो गया। एक इंग्लिश हिस्टोरियन हुआ, उसका नाम है विलियम डिग्बी। विलियम डिग्बी ने एक पुस्तक लिखा है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के 7 वॉल्यूम्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो फर्स्ट वॉल्यूम में विलियम डिग्बी ने लिखा कि भारत सोने की चिड़िया नहीं है, सोने का महासागर है। और उसने लिखा
कि सारी दुनिया से नदियों का पानी जैसे बहकर महासागर में जाता है, ऐसे ही सारी दुनिया का सोना बहकर भारत में आता है। और इतना सोना इकट्ठा हुआ इस देश में कि भारत के लोगों ने सोने के मंदिर बना लिए। दुनिया में किसी देश में सोने की मस्जिद नहीं है, किसी देश में सोने का गिरजाघर नहीं है, इस देश में सोने के मंदिर हैं। आपको मालूम है कितने? आप कहेंगे अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। ये अमृतसर का एक स्वर्ण मंदिर है, ऐसे 13,780 स्वर्ण मंदिर हैं इस देश में। अमृतसर का, गुरुवायूर का, कामकोटी कांचीपुरम का, त्रिचिंगापल्ली का, कोयम्बतूर का, मैसूर में सोने के मंदिर, बेंगलोर में, हमारे भारत में तो सबसे बड़ा सोने का मंदिर तिरुपति बालाजी, सैकड़ों मीटर टन सोना। उत्तर भारत में जाए तो वैष्णो देवी, सैकड़ों मीटर टन सोना, ऐसे 13,780 सोने के मंदिर। और मंदिर कोई सोने के कब बनाता है? जब किसी देश और समाज में जरूरत से ज्यादा सोना आता है तब मंदिर बनते हैं। अदरवाइज सोने का इस्तेमाल पहले खुद किया जाता है, बचने पर मंदिर बनाए जाते हैं। ऐसा देश था हमारा। फिर ये गरीब कैसे हुआ? ये गरीब हुआ अंग्रेजों की पार्लियामेंट में जब ये बहस हुई कि भारत के पास इतना धन, इतनी संपत्ति, इतना सोना है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये तय किया कि ये सारा भारत से इंग्लैंड में लाना है। कैसे लाएं? तो बिल्कुल फोर्स कहता है इसको लाने का सबसे अच्छा तरीका है लूटो, भारत को लूटो। तो लूटना कैसे है? तो वो कहता है एक तो ऑफिशियल लूटो और दूसरा अनऑफिशियल लूटो। ऑफिशियल लूटो, भारत के घरों में जाओ और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक और अधिकारी हैं उनकी मदद से सब लूट लूट के लाओ, ये अनऑफिशियल। और ऑफिशियल लूट कैसे करो? तो वो कहता भारत के लोगों पर टैक्स लगा दो और टैक्स इतने लगा दो कि सारा धन भारत का इंग्लैंड में आ जाए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सबसे पहला टैक्स लगाया इस देश पर, जिसका नाम रखा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ये टैक्स 1840 में लगा और इस टैक्स का मतलब पता है क्या था? आप 100 रुपए का उत्पादन करें तो 350 रुपए अंग्रेजों को टैक्स में देना। फिर उन्होंने कहा कि भारत का व्यक्ति उत्पादन करेगा तो अंग्रेजों को टैक्स देगा, लेकिन उत्पादन के बाद वो सामान को बेचेगा तो बेचने पर भी टैक्स लगा दो। तो अंग्रेजों ने दूसरा टैक्स लगा दिया, सेंट्रल सेल्स टैक्स। फिर अंग्रेजों की पार्लियामेंट ने कहा कि भारत का व्यक्ति अगर बेचेगा तो मुनाफा कमाएगा तो उसके मुनाफे पर भी टैक्स लगा। तो उन्होंने लगाया इनकम टैक्स। फिर उन्होंने कहा कि मुनाफा कमाएगा और सामान बेचेगा तो एक गांव से दूसरे गांव में जाएगा तो सड़क पर से जाएगा तो एक टैक्स और लगा दो उसके ऊपर, रोड टैक्स। फिर उन्होंने कहा कि सड़क पर कोई ब्रिज है, पुल है, तो एक टैक्स और लगा दो उसके ऊपर, टोल टैक्स। फिर अंग्रेजों ने कहा कि जिस गांव में प्रोडक्शन करता है उस गांव के नाम से टैक्स लगा दो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स। फिर अंग्रेजों ने कहा जिस गांव में सामान लेके आ रहा है गांव की एंट्री पे टैक्स लगा दो, ऑक्ट्रॉय। फिर उन्होंने कहा कि भारत का व्यक्ति कुछ भी पैदा करेगा, बेचेगा, प्रॉफिट कमाएगा तो प्रॉफिट में से वो घर बनाएगा तो घर पर टैक्स लगा दो, हाउस टैक्स। फिर उन्होंने कहा कि कुछ और प्रॉपर्टी बनाएगा घर के अलावा तो प्रॉपर्टी टैक्स लगा दो। फिर घर को खरीदने और बेचने का काम करेगा तो स्टाम्प पर ड्यूटी लगा दो। ऐसे करके अंग्रेजों ने 23 टैक्स लगाए, 23, और टैक्स लगा के इस देश को लूटना शुरू किया। पहले अनऑफिशियल लूटा, फिर ऑफिशियली लूटा, और इस लूट में अंग्रेजों ने भारत से 300 लाख कोटी रुपए ले लिया और उस कारण से ये देश गरीब देश हो गया, वरना ये देश गरीब नहीं था। अब होना ये था
कि 1840 से ये टैक्स लगना शुरू हुए, 1930 तक आते आते पूरा भारत गरीब हो गया क्योंकि सारे टैक्स में पैसे चले गए। अंग्रेजों ने भारत के शेतकरी समाज को भी टैक्स लगाया था 90%, जो प्रोडक्शन होता था उसका 90% अंग्रेजों को देना पड़ता था। और ये सब काम करते थे अंग्रेज इस देश में ये बोलकर कि हम भारत का डेवलपमेंट करने के लिए आए हैं, हम भारत को सुखी बनाने के लिए आए हैं। वो कभी नहीं कहते थे कि हम भारत को लूटने के लिए आए। एग्जैक्टली डेवलपमेंट के नाम पे लूटा उन्होंने इस देश को, और लूट लूट के सारा पैसा लंदन में जमा हुआ, इस कारण भारत गरीब हुआ। फिर भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो क्या होना चाहिए था? जिस टैक्स सिस्टम की मदद से अंग्रेजों ने भारत को लूटा वो टैक्स सिस्टम 1947 में खत्म करना चाहिए था, लेकिन 1947 आजादी के बाद इस देश के काले अंग्रेजों ने जब सरकार संभाली तो उसी टैक्स सिस्टम को फॉलो किया जिसको अंग्रेज कर रहे थे। हमारे देश में एक भी टैक्स खत्म नहीं किया गया। सेंट्रल एक्साइज अभी भी लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स अभी भी लगता है, इनकम टैक्स अभी भी लगता है, रोड टैक्स अभी भी लगता है, टोल टैक्स अभी भी लगता है, हाउस टैक्स अभी भी लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स अभी भी लगता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स अभी भी लगता है। हमारे काले अंग्रेजों ने तो कुछ और ज्यादा टैक्स लगा दिए जो अंग्रेज नहीं लगा पाए। काले अंग्रेज माने हमारे पुढ़ारी पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स, इन्होंने तो एक ऐसा टैक्स लगा दिया सर्विस टैक्स जो अंग्रेज भी नहीं सोच पाए कभी जिंदगी में। सर्विस टैक्स लगा। आपको एक माहिती देना चाहता हूं क्योंकि आप सब गोवा के नागरिक हैं। भारत देश में हाईएस्ट टैक्स पेइंग सिटी जो है ना वो पंजिम है। सबसे ज्यादा टैक्स जिस एक शहर में लगते हैं वो पंजिम है। पूरे भारत 680 शहर हैं, आप सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं अगर पंजिम और उसके आसपास रहते हैं। अंग्रेज ये सारा टैक्स इकट्ठा करके लंदन लेके जाते थे। ये काले अंग्रेज क्या करते हैं, ये सारा टैक्स इकट्ठा करते हैं, स्विस बैंकों में जमा करते हैं। आपको माहिती है हमारे पॉलिटिशियन टैक्स का पैसा लूटते हैं। आप टैक्स देते हैं, पॉलिटिशियन उस पैसे को लूटते हैं। कैसे लूटते हैं? मधु कोड़ा नाम का एक पॉलिटिशियन है इस देश में, महा लुटेरा। मुझे कई बार लगता है कि अंग्रेजों की आत्मा उसमें प्रवेश कर गई मधु कोड़ा, वरना इतना थोड़ी लूट सकता है कोई। वो आदमी 2 साल मुख्यमंत्री रहा झारखंड में, 5,600 कोटी रुपए लूट लिया उसने टैक्स का, 5,600। थोड़े दिन पहले सुखराम नाम का एक पॉलिटिशियन आपने देखा होगा, बड़ा दुखी आदमी, टैक्स का पैसा लूट लूट के बिस्तर के गद्दे के नीचे रखता। जब सीबीआई का रेड पड़ा तो गद्दे के नीचे से 1,000 के नोटों की गड्डियां निकली। पूछा गया ये कहां से आया सुखराम जी, तो उसने कहा भगवान ने दिया। हाँ, भगवान ऐसा है कि सुखराम को देता है, बाकी सबको दुखी रखता है इस देश का भगवान। और हमारे देश में आपको मालूम है कितने चीफ मिनिस्टर हैं जिनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले चल रहे हैं? 17 से ज्यादा चीफ मिनिस्टरों पे केस चल रहे हैं इस देश में, जयललिता उसमें से एक है। और कोई कमी नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव एक है, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह एक है। ये सब वो चीफ मिनिस्टर हैं जो लूट रहे हैं देश को और जिनके अगेंस्ट मुकदमे चल रहे हैं। क्योंकि हमारा कानून तंत्र इतना रद्दी है, किसी को फांसी नहीं देता, और ये लूटते रहते हैं, लूटते रहते हैं, लूटते रहते। और कितना लूटते हैं ये पॉलिटिशियंस इस देश को। एक बार राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर हुए तो उन्होंने कहा था
कि जब मैं किसी गरीब आदमी के विकास के लिए 1 रुपया देता हूँ तो उस गरीब आदमी के पास 15 पैसा ही पहुँचता है, 85 पैसा बीच में ही लूट के खा जाते हैं पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स। हमने कैलकुलेशन किया कि ये 85 पैसा कितना है, तो केंद्र सरकार के लेवल पे जो लूट होती है, राज्य सरकारों के लेवल पे जो लूट होती है, फिर नगर पालिका के लेवल पे जो लूट होती है, फिर ग्राम पंचायत जिला परिषद के लेवल पे जो लूट होती है, सब तरह के लूट के डेटा हमने इकट्ठे किए तो पता चला 1 साल में 17 लाख कोटी रुपए की लूट होती है 1 वर्ष। और लूट लूट कर ये सारा धन पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स विदेशी बैंकों में डिपॉजिट करते हैं। स्विट्जरलैंड की बैंकों में हमारे पॉलिटिशियंस के अकाउंट्स हैं। हमने स्विट्जरलैंड को एक बार पत्र लिखा था स्विस गवर्नमेंट को और उनसे ये पूछा था कि भारत के कितने करप्ट पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के अकाउंट्स आपके देश में हैं, तो उन्होंने हमें जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा आपको ये जानकारी नहीं दी जा सकती। क्यों? तो उन्होंने कहा आप भारत की सरकार नहीं है, जब आप सरकार हो जाएंगे तब बताएंगे आप। तो हमने दूसरे तरह से जानकारी निकाली। हमने स्विस गवर्नमेंट को एक पत्र लिखा दोबारा से और उनको ये पूछा कि कितने भारतवासी हैं जो हर साल स्विट्जरलैंड की यात्रा करते हैं, वो बता दीजिए। तुरंत उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा 94,000 भारतवासी हर साल स्विट्जरलैंड की यात्रा करते हैं। फिर हमने कहा कितने भारतवासी हैं जो फ्रीक्वेंटली स्विट्जरलैंड जाते हैं, हर हफ्ते में एक बार, महीने में 3-4 बार, ऐसे कितने हैं? तो उनका 80,000 भारतवासी हैं जो हर महीने 4-5 बार स्विट्जरलैंड आते हैं। तो ये कौन है? ये वही हैं जिनके अकाउंट्स हैं, वरना हर महीने 4-5 बार स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत क्या है? लोग तो एक बार स्विट्जरलैंड चले जाते हैं दोबारा जाने का नाम नहीं लेते, क्योंकि इतनी सुंदरता नहीं है वहां जो रोज जाके देखे। हाँ, छोटा सा देश है, 2 घंटे की कार ड्राइव करो तो देश खत्म हो जाता है, दूसरे देश में कार घुस जाती है। हाँ, और जब बर्फ पड़ती है ना तो थोड़ा बहुत कुछ अच्छा भी लगता है, जब बर्फ नहीं होती तो एकदम सूने पहाड़, हरियाली कुछ नहीं है, सब सूने पहाड़, मिट्टी पत्थर और कुछ। तो बाद में हम लोगों ने जब इसके सीरियस स्टडी किया तो पता चला स्विस बैंकों में 80,000 पॉलिटिशियंस के बैंक अकाउंट है और इन अकाउंट्स में 72 लाख कोटी रुपए जमा है, लूट का पैसा उन्होंने ले लिया है। और एक हमने इंटरेस्टिंग काम किया कि स्विट्जरलैंड की बैंकों में ये जो पैसा है इसके बारे में जो बैंक चलाने वाले लोग हैं ना उनको कॉन्टेक्ट किया। उनके यहाँ एक संस्था है, उसका नाम है स्विस बैंकर्स एसोसिएशन। उनको जब संपर्क किया तो उन्होंने हमको एक और माहिती दी। उनका कहना है कि हमारी बैंकों में जो 72 लाख कोटी पॉलिटिशियंस का है, इसके अलावा 70 और देशों की बैंकों में भी है, वो भी पता करो आप। हमें तो मालूम नहीं था, किससे पता करो? तो उन्होंने एक संस्था का नाम बताया, टैक्स जस्टिस नेटवर्क, एक संस्था का नाम बताया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इनको हमने संपर्क किया तो इन्होंने हमको बताया कि भारत के पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स का 258 लाख कोटी रुपए विदेशी बैंकों में जमा है, 258 लाख कोटी। और मुझे अफसोस इस बात का है कि अंग्रेजों ने 1840 से 1947 माने 107 वर्षों में 300 लाख कोटी रुपए लूटा और इन काले अंग्रेजों ने 63 वर्षों में 258 लाख कोटी लूट लिया। इसका माने ये सब काले अंग्रेजों में गोरे अंग्रेजों की आत्मा ने ही प्रवेश किया, वरना इतना कैसे लूट सकते थे अपने ही देश को? अंग्रेज तो विदेशी थे, लूटने को आए थे, ये तो हमारे ही देश में पैदा हुए हैं, लूट रहे हैं। और इन लूटखोरों के चेहरे आपकी आंखों के सामने हैं। हाँ, गोवा में बहुत लुटेरे पॉलिटिशियन, आप जानते हैं कैसे लूट रहे हैं गोवा को।
15-20 साल पहले जिनके घर में टूटी साइकिल नहीं थी, आज उनकी गोवा में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है। कहां से आया है? लूटा है। कोई माइनिंग में लूट रहा है, कोई कहीं लूट रहा है, कोई टूरिज्म में लूट रहा है, लूटने में सब लगे। और ये सारे देश में यही हाल है। तो क्या किया जाए? गरीबी बढ़ रही है इस भ्रष्टाचार के कारण, क्योंकि गरीबों के विकास के लिए पैसा भेजा जाता है, उसको लूट लेते हैं, खा जाते हैं, गरीबों के खर्च नहीं हो पाता। और बेरोजगारी बढ़ रही है क्योंकि काम नहीं है लोगों के पास। अगर ऐसे ही चलेगा ये देश तो थोड़े दिन में तो खत्म हो जाएगा। इसलिए हमने भारत स्वाभिमान की तरफ से एक संकल्प लिया है कि जितना ये देश लूट गया अब इसको आगे नहीं लूटने देंगे, और जितना लूट कर धन विदेशी बैंकों में जमा कर लिया है इस धन का एक एक पैसा भारत में वापस लाएंगे और इस देश के विकास के लिए उस पैसे को खर्च करेंगे। आपके मन में प्रश्न आएगा, क्या ये लूट का पैसा आएगा? हाँ आएगा। कैसे आएगा? ये पैसा वापस लाने के चार रास्ते हैं। हमने बहुत स्टडी किया इस विषय पर, बहुत अभ्यास किया। विदेशी बैंकों में 258 लाख कोटी रुपए जो जमा है इसको वापस लाने के चार रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि ये 258 लाख कोटी रुपए जो विदेशों में जमा है ये नेता और अधिकारियों की पर्सनल प्रॉपर्टी के रूप में जमा है। जो भ्रष्ट पुढ़ारी हैं, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है ये पूरा धन 258 लाख कोटी। अगर इस धन को भारत की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दें तो ये सारा पैसा वापस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? सभी बैंकों में एक कानून है, वो संघ ये है कि जब तक धन किसी की व्यक्तिगत संपत्ति होता है वो किसी भी बैंक में डिपॉजिट हो सकता है, लेकिन जब धन राष्ट्र की संपत्ति हो जाता है तो वो राष्ट्र की बैंक में ही जमा हो सकता है। ये कानून। अभी ये सारा धन व्यक्तिगत संपत्ति है, हम इसको राष्ट्र की संपत्ति अगर बना सके तो 258 लाख कोटी रुपए वापस मिलेगा, क्योंकि वो भारत में ही जमा हो सकता है। आप बोलेंगे कौन करेगा इस काम को? इस काम को करने के लिए दो संस्थाएं हमारे देश में है, एक संस्था का नाम है सुप्रीम कोर्ट और दूसरी संस्था का नाम है संसद। सुप्रीम कोर्ट ये पैसे को राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है। नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे उस समय एक यूरिया घोटाला हुआ था, उसमें 133 कोटी रुपए को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया था और वो पैसा स्विस बैंक में डिपॉजिट था, वो सारा वापस भारत में आया था। तो हम सुप्रीम कोर्ट को अपील कर रहे हैं इस समय कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा राष्ट्रीय संपत्ति है तो चारों घोटाले का भी है, बोफोर्स घोटाले का भी है, एनरॉन घोटाले का भी है, गेहूं घोटाले का भी है, घोटाला घोटाला सब एक, उसमें डिफरेंशिएशन क्यों? और इसी उम्मीद में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया है कि सुप्रीम कोर्ट 258 लाख कोटी रुपए को राष्ट्र की संपत्ति घोषित करे। और ये पिटीशन 6 महीने पहले फाइल हुआ था, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार कर लिया है और सरकार को नोटिस दिया। इस पिटीशन में जो एडवोकेट है हमारे वकील, उनका नाम है राम जेठमलानी, वो लड़ा है, और उनके 10 और मित्र हैं, और सरकार को नोटिस गया, सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है, वित्त मंत्री भारत सरकार प्रणब मुखर्जी को, कि जिन जिन का पैसा विदेशी बैंकों में है सरकार उसके बारे में सारी जानकारी कोर्ट को दे। अब सरकार के हाल खराब है, सरकार ये परेशानी में है कि जिनका पैसा है वही तो सरकार चला रहे हैं। तो सरकार ने चालाकी किया, चालाकी क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को ये कह दिया कि हम ये जानकारी 6 महीने में देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है 6 महीने में माहिती दो, 6 महीने के बाद भी वो ये माहिती नहीं देने वाले ये हम जानते हैं, क्योंकि जो सरकार चला रहे हैं वो माहिती क्यों दे, वो फिर और 6 महीने का टाइम मांगेंगे, फिर और 6 महीने का टाइम मांगेंगे, तब हम सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि ये तो माहिती देंगे नहीं, आप तो एक्स पार्टी जजमेंट कर दो कि ये जिसका भी धन है
ये भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, बस बात खत्म हो गई। और फिर जिसको क्लेम करना है वो आए सुप्रीम कोर्ट में, कहे ये मेरी संपत्ति। हाँ, आगे तो कहे ना भाई का राम, कोई आए तो सही देश में से निकल के सुप्रीम कोर्ट के सामने कहे यही संपत्ति है, तो हम उससे पूछ लेंगे तुम्हारे बाप दादों के पास क्या था जो तुम्हारी संपत्ति आई, कहां से तुमने कौन से ऐसे सुरखाब के पकड़े हैं जो इतनी संपत्ति बना के, प्रूफ करो ये तुम्हारी संपत्ति है। और नहीं प्रूफ कर पाए तो देश की संपत्ति है, तुम्हारी थोड़ी है, तुमने लूटी थी, लूटी हुई संपत्ति अपनी थोड़ी होती है। मजा आएगा इस केस को लड़ने में, देखना आप थोड़े दिन में एक एक की पोल खुलेगी, या वो मुंह बंद करके बैठेंगे ये सारे लूट खोर लोग, और या ये चिल्लाएंगे तो सबके चेहरे देश के सामने आएंगे, कौन बेईमान है कौन ईमानदार। हम तो ये केस लड़ने वाले हैं पूरी ताकत से, चाहे इसमें 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल। दूसरा एक काम हम और करने वाले हैं कि हमारी जो संसद है ना, इस संसद में हम एक प्रस्ताव रखवाना चाहते हैं, एक खासदार ढूंढ रहे हैं पूरे देश में हम, और एक खासदार तो मिल ही जाएगा, कोई ना कोई तो माई का लाल अभी तक जिंदा होगा, ऐसा नहीं कि सब मर गए, सब बेईमान नहीं हो गए, कोई तो ईमानदार मिलेगा। उस खासदार से हम एक प्रस्ताव कराना चाहते हैं लोकसभा में। प्रस्ताव ये है कि 1947 15 अगस्त से लेकर आज तक जितने घोटाले भारत में हुए, जितना करप्शन हुआ, वो सारा धन राष्ट्र की संपत्ति है, ये प्रस्ताव संसद में आए तो सभी खासदारों को इस पर बहस करनी पड़ेगी। प्रस्ताव तो एक खासदार रखेगा, बहस सब करेंगे, बहस के समय हम देखेंगे कौन कौन बेईमान खासदार इसका अपोज कर रहा है, जो विरोध करेगा पक्की बात है उसी का बैंक में खाता है, पैसे उसी के। तो हमारे सामने काम अच्छा होने वाला है। और ये प्रस्ताव संसद में आया तो कई बार मुझे कोई लोग बोल रहे हैं कि डर के मारे बहुत सारे खासदार विरोध ही नहीं करेंगे, तो बहुत अच्छा प्रस्ताव पास हो जाएगा, प्रस्ताव पास हुआ तो पैसा वापस आ जाएगा, हमको क्या करना, हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। या तो प्रस्ताव गिरेगा तो विरोध करने वाले खासदारों को पूरा देश देखेगा, और या तो प्रस्ताव पास होगा तो 258 लाख कोटि वापस आएगा। वी हैव नथिंग टू लूज, कुछ है ही नहीं हमें हारने के लिए, हम तो जीतने वाले हैं दोनों ही स्थिति। फिर कई लोग हमको ये कहते हैं कि राजीव भाई शायद एक खासदार भी ना मिले आपको ये प्रस्ताव रखने वाला, तो हम कहते हैं कि फिर 2014 में चुनाव आएंगे देश के, तो चुनाव में हम उतरेंगे, और परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी सारे देश के सामने इस बात के लिए अपील करेंगे कि एक खासदार हमको जिता कर दो जिससे हम संसद में ये प्रस्ताव पास कराएं, और सारा देश हो सकता है 543 खासदारों को जिता दे। हम तो एक खासदार मांगेंगे पूरे देश से, और ये तो पक्का है कि गोवा को दे ही देगा। एक खासदार क्यों मुश्किल, क्या मुश्किल, गोवा तो दे ही देगा, और वो एक खासदार फिर प्रस्ताव रखेगा। और कई लोग तो कहते हैं कि अगर परम पूजनीय स्वामी जी ने अपील किया तो देश तो 543 खासदार भी दे सकता है, क्योंकि देश इस समय बहुत दुखी है। देश पता है क्या कहता है, वो कहता एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है, दोनों डस रहे हैं, हमको तो तीसरा चाहिए। सभी पार्टियों से लोग बेजार हो चुके हैं, वो कहते हैं सब एक जैसे हैं, ये भी लूटते हैं वो भी लूटते हैं, अब क्या करें। हम देश में एक अभियान चलाते हैं 100% वोटिंग का, 100% मतदान का, तो सब लोग मुझे ये कहते हैं कि कोई एक ईमानदार आदमी दो हम उसको 100% वोट करेंगे, हम बेईमानों को नहीं करना चाहते। तो देश तो हो सकता है 543 खासदारों को चुन के दे, और अगर ये खासदार चुनकर आ गए तो 1 मिनट में कानून बनाएंगे, 543 खासदार अगर एक साथ कहें तो स्विस बैंक का पैसा, विदेशी बैंकों का पैसा तो सब आ जाएगा 258 लाख करोड़, और ये पैसा आएगा तब हम इस पैसे का उपयोग करेंगे गांव में। भारत के 6,25,365 गांव है, हर गांव में 100 उद्योग लगाएंगे,
4 लाख गांव में कपास पैदा होती है, तो खादी का उद्योग वहां चलाना है 4 लाख गांव। 2.5 से 3 लाख गांव में ऊस पैदा होता है गन्ना, तो वहां पर काकड़ी का उद्योग चलवाना, गुड़ और काकड़ी। भारत के 3 लाख गांव में गेहूं पैदा होता है, तो गेहूं के आटे का उद्योग हर गांव में चलना है। करीब 3.5 लाख गांव में नारियल होता है, तिल होता है, सरसों होती है, तो तेल का उद्योग गांव में चलाना है। करीब भारत में 2 लाख ऐसे गांव हैं, 2 लाख से ज्यादा हैं, जहां आम पैदा होता है, तो आम का पापड़ बनता है, आम का अचार बनता है, आम का मुरब्बा बनता है, आम की जेली बनती है, आम का जैम बनता है, आम का रस निकाल के पैकेट में बंद करके टेट्रा पैक में हम बेच सकते हैं। और हम तो ऐसी टेक्नोलॉजी इस देश में देखे हैं कि आम का रस खाली बॉटल में भरे एक एक साल खराब नहीं होता। ये गांव गांव हम क्यों नहीं कर सकते, जहां आम है वहां ये सब हो सकता। फिर भारत में 1 लाख गांव में आंवला पैदा होता है, 1 लाख गांव में एलोवेरा पैदा होता है, आंवले के बहुत प्रोडक्ट्स बनते हैं, एलोवेरा के बहुत प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ऐसे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के 100 से ज्यादा उद्योग हर गांव में लग सकते हैं, और इन उद्योगों में 65 करोड़ लोगों को काम मिलता है, 65 कोटी। तो बेरोजगारी तो एक बार में खत्म होती है, गरीबी भी खत्म होती है। और इस पूरे काम में इन्वेस्टमेंट चाहिए 10 लाख कोटी, और हमारे पास है 258 लाख कोटी, आराम से करेंगे इन्वेस्ट। फिर बचे हुए पैसे, उसमें 4 लाख कोटी और इन्वेस्ट करें तो हर गांव को 24 तास बिजली दे सकते हैं, बीच 7 लाख कोटी इन्वेस्ट करें तो हर गांव को सड़क मिलती है, 10 लाख कोटी इन्वेस्ट करें तो हर शेतकड़ी के शेत को पानी दे सकते हैं, सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। करीब 8 लाख कोटी खर्च करें तो हर गांव को स्कूल कॉलेज मिलता है, अशिक्षा की समस्या खत्म होती है। 10-12 लाख कोटी इन्वेस्ट करें तो हर गांव को आयुर्वेद का हॉस्पिटल दे सकते हैं और योग प्राणायाम का केंद्र बना सकते हैं हर गांव। और ये सब काम करने में 50 लाख कोटी खर्च होगा, कुल 50 लाख कोटी में भारत की सब समस्याओं का समाधान होगा, तब भी 208 लाख कोटी बचेगा। उसको क्या करें, बैंक के फिक्स डिपॉजिट में उसको रख देंगे। 208 लाख कोटी का एक साल का ब्याज आएगा 20 लाख कोटी, और उस ब्याज से ही देश को चला देंगे, टैक्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पूरे देश में, टैक्स सब खत्म हो। और टैक्स जब हम खत्म करेंगे तो महंगाई खत्म हो जाएगी। मैंने कैलकुलेशन किया कि सारे टैक्स खत्म हो तो 1 लीटर पेट्रोल 12 रुपए का मिलेगा, 1 लीटर डीजल 7.80 रुपए का मिलेगा, 1 रसोई गैस सिलेंडर 40 रुपए का मिलेगा, 1 सीमेंट का 50 किलो का पैकेट 72 रुपए का मिलेगा, 1 किलो आयरन 12 रुपए में। आपको अमेरिका जाना, अमेरिका से वापस आना, 7000 रुपए में आने जाने का टिकट हो जाएगा टैक्स खत्म होने का। सब चीजें सस्ती तो महंगाई खत्म, और टैक्स खत्म तो आमदनी बढ़ेगी लोगों की। और इनकम टैक्स जब खत्म होगा ना, तो सबसे बड़ी क्रांति होगी कि जितना ब्लैक मनी देश के अंदर छुपा हुआ पड़ा है वो सब बाहर आ जाए। और देश के अंदर 50 लाख कोटी का ब्लैक मनी है, ये सब बाहर आएगा। और ये पैसा कहां जाएगा, या तो बैंक में डिपॉजिट होगा, या तो लोग इसको इंडस्ट्रीज और बिजनेस में लगाएंगे, या तो लोग इस पैसे को खर्च करेंगे। तीनों मामले में ये पैसा मार्केट में आएगा, और मार्केट में 50 लाख कोटी रुपए अगर घूम रहा है तो भारत को कटोरा लेकर भीख मांगने किसी देश के सामने जाना नहीं पड़ेगा, अपने ही पास इतनी पूंजी है। और फिर क्या होगा, मैंने तो एक दिन कैलकुलेशन किया कि 20 लाख करोड़ का सालाना जो इंटरेस्ट आएगा ब्याज, 6 साल तक तो हम उसे इस्तेमाल कर पाएंगे विकास के लिए, 7वें साल से तो समझ में ही नहीं आएगा क्या करें इतने पैसे का, क्योंकि विकास तो पूरा हो जाएगा 6 साल में, फिर क्या करें, पैसे तो आने ही वाले हैं 20 लाख को भी हर साल। तो हमने कैलकुलेशन किया उसका कि ये पैसे को दूसरे देशों को दान करेंगे जहां गरीबी है, अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश, उन देशों में ये दान करके उनसे दोस्ती बढ़ाएंगे, और उन देशों से दोस्ती हो गई
तो कभी भी वो देश हमारे काम आएंगे। हमारे पड़ोस में चार दुश्मन रहते हैं, एक का नाम है चीन, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है नेपाल। नेपाल भी अब दुश्मन हो गया हमारा। जब से वहां कम्युनिस्ट सरकार आई है, नेपाल भी भारत को गाली देना शुरू कर दिया। इन चारों दुश्मन देशों का कभी भी धोखा हो सकता है, इसलिए दुनिया के 70-80 देशों को दोस्ती बनानी है। और अगर ये देश कोई धोखा देंगे तो वो सब देश हमारी मदद करेंगे। और हम जो देशों से दोस्ती बनाएंगे, ये सब वो देश हैं जिनको अंग्रेजों ने लूटा पिछले 500 साल। और ये देश अगर हमारे दोस्त हुए तो इन 70-80 देशों की तरफ से मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक मुकदमा करेंगे अंतरराष्ट्रीय अदालत में। और उस मुकदमे में 300 लाख कोटी रुपए जो अंग्रेज ले गए वो वापस मांगेंगे ब्याज के साथ। उसके लिए हमें प्रमाण देना पड़ेगा। प्रमाण हमने काफी इकट्ठे कर लिए जो अंग्रेज लूट के ले गए। कोहिनूर हीरा हमारा अभी भी अंग्रेजों के पास है। कोहिनूर जैसे 4,500 हीरे अंग्रेजों के पास हैं। सोमनाथ के मंदिर का सोने का दरवाजा था, वो अंग्रेजों के म्यूजियम में अभी भी रखा हुआ है। पहले सोमनाथ को लूटा महमूद गजनवी ने, बाद में महमूद गजनवी को लूटा अंग्रेजों ने, तो सोमनाथ मंदिर की सारी संपत्ति इस समय लंदन में। आप कभी लंदन जाए तो लंदन के म्यूजियम्स को देखिए, भारत की संपत्ति से भरे पड़े। ये सब वापस लाना है और इसके लिए दूसरे देशों से मदद चाहिए। वो मदद हमें मिलेगी अगर हम उनकी मदद करेंगे। और ये अंग्रेजों से जो 300 लाख कोटी इंटरेस्ट के साथ हम लाएंगे, तो इंटरेस्ट अगर आप जोड़े 63 साल का ही जोड़े आजादी के बाद का, या तो उस दिन से जोड़े जिस दिन इसके भी आप कंपनी भारत आई थी, तो ये सारा धन 700 लाख कोटी से ज्यादा है। और इस पूरे धन को सोने के रूप में लाएंगे, गोल्ड में लाएंगे। और इतना सा गोल्ड लाके भारत में डिपॉजिट अगर कर दिया हमने, तो भारत की संपत्ति बढ़ जाएगी। भारत की संपत्ति बढ़ेगी तो भारत के रुपए की कीमत बढ़ेगी। अभी $1 में 48 रुपए है, फिर $1 में 1 रुपया हो जाएगा। और $1 1 रुपया हुआ तो जितना एक्सपोर्ट अभी हम करते हैं, वो एक्सपोर्ट से जितनी आमदनी होती है वो 50 फट जास्ती हो जाएगी। आमदनी एक्सपोर्ट इनकम 50 गुनी ज्यादा होगी, इंपोर्ट का खर्चा 50 गुना कम होगा। तो हमारे पास इतना ट्रेड सरप्लस होगा कि चीन और अमेरिका भी हमसे पीछे रह जाए, हम उसके भी आगे निकल जाए। और चीन अमेरिका से आगे निकल गए अगर हम, तो सारे दुनिया के फिर विश्व गुरु हम बनेंगे। भूतकाल में भारत विश्व गुरु था, भविष्य में भी बनेगा। बस भारत का वर्तमान ठीक करना, ये योजना है भारत स्वाभिमान। इस योजना में आपकी मदद चाहिए और आपकी मदद के बिना ये नहीं होने वाला, क्योंकि भारत में कोई भी काम जो होता है ना, वो बहुमत से होता है। बहुमत जिसके साथ होता है, काम उसी का होता है। इस देश में अच्छा काम हो या बुरा काम, बहुमत के बिना नहीं होता। तो संसद में बहुमत चाहिए, समाज में भी हमें बहुमत चाहिए। और बहुमत हमें मिले इसके लिए हमने मेंबरशिप का अभियान शुरू किया है। भारत के एक एक गांव से हम मेंबर बना रहे हैं। 5 कोटी नागरिकों को मेंबर बनाना है 4 वर्षों में। और ये 5 कोटी नागरिक 10-10 को मेंबर बनाएंगे तो 50 कोटी लोग हमारे साथ हो जाएंगे। और इतनी बड़ी ताकत अगर हमने खड़ी की तो भारत की संसद में 400 से ज्यादा खासदार हमारे होंगे। और भारत के 23 राज्यों की विधानसभाओं में 4,000 से ज्यादा आमदार हमारे होंगे। हम तो कुछ भी कर पाएंगे फिर इस देश। हमने अंग्रेजों के जमाने के कानून भी बदलने हैं। 34,735 अंग्रेजों के कानून हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये सब कानून भी बदलने, ये सब काम करना है। और इसी काम के लिए भारत स्वाभिमान है। भारत स्वाभिमान को आपकी मदद चाहिए, आप इसके मेंबर हो जाइए। यहां से मदद हमें चाहिए, आप मेंबर बनिए। मेंबर होने के लिए एक फॉर्म मिलता है, वो यहाँ स्टॉल से आप ले लीजिए।
फॉर्म भर ले जाइए, उसको नाम पता फोन नंबर भर के हमें वापस दे दीजिए, और जब आप फॉर्म वापस करेंगे तो आपसे 51 रुपए की दान राशि चाहिए भारत स्वाभिमान के। जो आप फंड देंगे 51 रुपए का, उसी से हमें ये लड़ाई लड़नी है। हमने एक संकल्प लिया है कि किसी करोड़पति आदमी से 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ नहीं लेंगे, भारत के एक एक व्यक्ति से 10-10 रुपए 20-20 रुपए 50-50 रुपए लेंगे। 10 कोटी किसी से हम लें, उससे अच्छा है 1 कोटी क्षेत्रीय नागरिकों से 10-10 रुपए लें। 50 कोटी हम किसी से लें, उससे अच्छा है 5 कोटी नागरिकों से 10-10 रुपए। क्यों? जो हमें 10-20-50 कोटी देगा उसका पैसा ईमानदारी का है बेईमानी का है पता ही नहीं, और अगर वो पैसा बेईमानी का हुआ तो हमको भी बेईमान बनाएगा, क्योंकि बेईमानी का पैसा बेईमान ही बनाता है, ईमानदारी का पैसा ईमानदारी लाता है। तो गरीब है शेतकरी मजदूर कारीगर, उनसे लेना है पैसा और उस पैसे से बनाना है इस देश को, क्योंकि ये देश करोड़ों नागरिकों का है, कुछ कोटिपति लोगों का नहीं। इसलिए गांव गांव जा रहे हैं हम लोग, शेतकरी नागरिक को 1000 रुपए का मेंबर बनाते हैं, शहर में रहने वालों को 51 रुपए का मेंबर बनाते हैं। तो आप मेंबरशिप लें, रसीद ले लें और दान की राशि हमें दें, इसी दान से ये सारी लड़ाई लड़नी है, और हमें उम्मीद है कि आप जरूर मदद करेंगे। और ये मदद आप क्यों करेंगे? इसलिए कि आपके दिल में भी यही आग है जो हमारे दिल में है, देश को अच्छा होना चाहिए, देश को समृद्धशाली होना चाहिए, गरीबी मिटनी चाहिए, बेरोजगारी मिटनी चाहिए, भुखमरी मिटनी चाहिए। ये आप भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, नहीं तो आप इतनी देर से यहाँ क्यों बैठे? 2.5 घंटे से मैं व्याख्यान दे रहा हूँ, यहाँ कोई नाच गाना नहीं हो रहा है, फिर भी आप सुन रहे हैं, क्योंकि आपके दिल में भी तड़प है देश के लिए, आपके दिल में भी कुछ करने की तमन्ना। और ये क्यों है, मैं बहुत गहरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, शायद ये इसलिए है आपके दिल में तड़प देश के लिए कि आप सबकी जो आत्मा है वो पुराने जमाने के शहीदों की आत्मा है जो इस शरीर में प्रवेश की है, तभी तो आप ये सब इकट्ठे हो। पहले हम इकट्ठे हुए थे नाना साहब पेशवा के साथ, तात्या टोपे के साथ, नाना फडणवीस के साथ, वासुदेव बलवंत फड़के के साथ, चापेकर बंधुओं के साथ, भगत सिंह उधम सिंह के साथ, चंद्रशेखर आजाद के साथ, और अब फिर इकट्ठे हो रहे हैं स्वामी रामदेव के साथ। हैं हम सब वही लोग, क्योंकि हम तो मानते हैं ना आत्मा नहीं मरती शरीर बदलता है। उस समय में हमारी आत्मा रही होगी भगत सिंह की, उधम सिंह की, चंद्रशेखर की, कित्तूर चेन्नम्मा की, झांसी रानी लक्ष्मीबाई की, अब वही आत्मा वापस आई है शरीर में, तभी हम एकत्रित हो रहे हैं। और अब हम एकत्रित हो रहे हैं अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए। पहले हम एकत्रित हुए थे अंग्रेजों को भगाने के लिए, अब एकत्रित हो रहे हैं काले अंग्रेजों को भगाने के लिए। हमारा काम अधूरा है, पूरा करना है। और अच्छी बात यह है कि इस बार एक सन्यासी ने हमको एकत्रित किया है, और भारत में सन्यासी लोग जब संकल्प लेते हैं तो भगवान भी वो संकल्प पूरे करता है। हमारे भारत में एक सन्यासी हुए, उनका नाम था समर्थ गुरु रामदास। उन्होंने एक संकल्प लिया था, औरंगजेब का राज्य समाप्त करना है दक्षिण भारत से, और ये संकल्प पूरा होने के लिए भगवान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पैदा किया, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने समर्थ गुरु रामदास का संकल्प पूरा करने के लिए हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी, और दक्षिण भारत से औरंगजेब को खत्म कर दिया। और आपको मालूम है औरंगजेब का शासन जब दक्षिण भारत से समाप्त हुआ तो थोड़े दिन के बाद ही औरंगजेब मर गया था, और उसके बाद पूरे देश से मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया। सन्यासी का संकल्प इतना बड़ा होता है। एक सन्यासी हुए स्वामी रामतीर्थ, लातूर के पास एक गांव में पैदा हुए। उन्होंने संकल्प लिया था, संकल्प ये था कि हैदराबाद का जो राज्य है वो भारत में मिलाना है, और हैदराबाद का निजाम ये कहता था मुझे पाकिस्तान जाना। तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा तुम पाकिस्तान जाओ, राज्य तो भारत में रहेगा।
और स्वामी रामतीर्थ के संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस देश में भेज दिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद राज्य को भारत में मिला दिया। ऐसे ही हमारे देश में एक सन्यासी हुए परम सम्माननीय दयानंद सरस्वती और उनके दिल में आग थी कि अंग्रेजों को भारत से भगाना है और इनको भारत से भगाने के लिए कोई संगठन बनाना है। तो भगवान ने स्वामी दयानंद सरस्वती के इतने सारे शिष्य तैयार किए कि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर डाली। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, ये सब स्वामी दयानंद के शिष्य थे और इन्होंने आजादी की लड़ाई इतनी जोरदार लड़ी कि 47 में भारत आजाद हो गया। सन्यासी जब संकल्प लेता है तो ईश्वर भी वो संकल्प को पूरा कराता है क्योंकि सन्यासी का अपना स्वार्थ कुछ नहीं होता है, वो जो संकल्प लेता है देश के लिए लेता है। तो अभी उसी सन्यास परंपरा में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने संकल्प लिया है कि भारत को विश्व गुरु बनाना, भारत को समृद्धशाली बनाना, वैभवशाली बनाना, फिर से सोने की चिड़िया बनाना, गरीबी भुखमरी बेकारी भारत से हटानी है, 258 लाख कोटी विदेशी बैंकों से भारत में वापस लाना है, अंग्रेजों के जमाने के कानून बदलने हैं, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति बदलनी है, सब कुछ बदलना है। अब इस संकल्प को पूरा कराने के लिए भगवान ने 2,40,000 योग शिक्षकों को तो अब तक भेज दिया है, 11 लाख योग शिक्षक अगले 2 साल में आने वाले हैं। संकल्प तो ये भी पूरा ही होगा। आप इसमें आ जाए तो जल्दी होगा, नहीं आएंगे फिर भी होगा, आपके बिना होगा, कोई दूसरा आएगा, संकल्प तो होने वाला। आप आएंगे तो यश आपको मिलेगा, नहीं आएंगे दूसरा व्यक्ति यश लेगा। सन्यासी को तो यश से कुछ लेना देना होता नहीं, यश तो उनको मिलता है जो सन्यासी के साथ काम करते हैं, क्योंकि सन्यासी जो होता है ना, यश अपयश से परे होता है, मान सम्मान से परे होता है, हानि लाभ से परे होता है, सत्ता सिंहासन से परे होता है। सन्यासी को इससे कोई मतलब नहीं होता, वो तो निस्वार्थ भाव से देश के लिए होता है। तो यश तो सन्यासी लेता नहीं, वो तो बांटता है। तो यश तो आपको ही मिलेगा, आप आ जाओ जल्दी से, नहीं तो कोई और आ जाएगा। और आप अगर आओगे तो भविष्य में आपके बच्चे आपसे कहेंगे गर्व से कि भारत स्वाभिमान का गलत हुआ, मेरे आई बाबा ने उसमें भाग लिया। और नहीं आओगे तो यही बच्चे गाली देंगे आपको भविष्य में कि इतना बड़ा गलत चला और तुमने कुछ नहीं किया, तो अपने बच्चों की आंखों में आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। इसलिए मेरी विनती है, आप आ जाओ जल्दी से भारत स्वाभिमान में, मेंबर हो जाओ, 10-10 और लोगों को मेंबर बनाओ, जल्दी से 5 कोटी की संख्या पूरी हो, तो हम सब मिलकर एक नया भारत, समृद्ध भारत, वैभवशाली भारत, गौरवशाली भारत, सारी दुनिया का गुरु भारत, ऐसा भारत बनाएंगे और सारी दुनिया को दिखाएंगे कि भारत भूतकाल में विश्व गुरु था, भविष्य में भी होगा, बस वर्तमान इसका ठीक हो। यही कहकर आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि फॉर्म लेके जाइएगा, मेंबरशिप के फॉर्म यहाँ रखे हुए हैं भरपूर संख्या में, और आप जब जाए यहाँ से तो हमारे भारत स्वाभिमान के कई कार्यकर्ता खादी बनाते हैं, सूती वस्त्र बनाते हैं, उसका भी इधर स्टॉल है। आप थोड़ी थोड़ी खादी अगर इनसे खरीदेंगे तो अपने कार्यकर्ताओं को रोजगार मिला हुआ है। कई कार्यकर्ता चरखा चलाते हैं, सूत बनाते हैं, फिर खादी बुनते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी खादी पैदा करके और खादी बिकवा के, वैसे ही नई आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं ये खादी के उत्पादन से। तो हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन मिले, आप उनकी 2-2, 5-5 मीटर खादी खरीदे, उनका स्टॉल है, और मेंबरशिप के फॉर्म लेके जाएं। ये निवेदन के साथ आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मैं बोलूंगा भारत माता की, आप सबको लेके जय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे।